99.99% गारंटी है ये तीनों में से एक डायग्राम तुम्हारे यूनिट टेस्ट के पेपर आना ही आना पांच नंबर का। तो बस अगर तुम इतने डेफिनेशन याद कर लेते हो भाई लाइफ प्रोसेस खत्म। तुम्हें लाइफ प्रोसेस नहीं करना, बस तुम्हें इतने डेफिनेशन याद करना लाइफ प्रोसेस खत्म। ये जो रिडक्स रिएक्शन है ये देख लो भाई, ये तुम्हारे तीन नंबर का तुम्हारे पीरियड टेस्ट में आना ही आना इस बात की 100% गारंटी, 99.99% गारंटी है भाई। ये जो प्रिपरेशन रिएक्शन है ये तुम्हारे पेपर में आने वाला है, ये जो रिएक्शन है ये तुम्हारे पीरियड टेस्ट पेपर में आने वाला है। तो ये बैलेंसिंग वाली चीज तुम ध्यान से देख लो यार, ये तुम्हें यूनिट टेस्ट के पेपर में 10 से 15 नंबर ऐसे ही दिलवा देगा, इस बात की गारंटी है। ये जो मिरर फॉर्मूला है भाई, इससे तुम्हारा न्यूमेरिकल एक 5 नंबर का आना ही आना तुम्हारे पीरियड टेस्ट में, इस बात की गारंटी है। हेलो इन दिस प्रेम भैया, यार तुम क्लास 10 में हो और तुमने भी अपने साइंस के पीरियोडिक टेस्ट के लिए जरा कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी है और अब तुम्हें डर लग रहा है भैया साइंस के पीरियोडिक टेस्ट में कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे भैया, हमसे बने कि नहीं बनेंगे भैया, हम साइंस के पीरियोडिक टेस्ट में फेल तो नहीं हो जाएंगे भैया, तो आज की वीडियो है बिल्कुल तुम्हारे गेम चेंजिंग होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम्हारे साइंस के पीरियोडिक टेस्ट का जो तुम्हारे स्कूल में होने वाला है उसका पूरा का पूरा पेपर लीक करने वाला है। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे साइंस के पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले स्कूल में तुम्हारे, वो क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे साइंस के पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले। और देख लेना इस बात की गारंटी है, जो क्वेश्चन मैं तुम्हें इस वीडियो में बता दूंगा वो क्वेश्चन तुम्हारे साइंस के पीरियोडिक टेस्ट में छपे हुए नजर आ रहे हैं, इस बात की गारंटी है। ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा, हर चैप्टर में तुम्हें गिन के 10 क्वेश्चन दूंगा, गिन के 10 क्वेश्चन दूंगा, उससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं। अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, हर चैप्टर में तुम्हें गिन के 10 क्वेश्चन दूंगा, उसकी थ्योरी बता दूंगा। और उस बात की गारंटी है भाई, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तुम्हारे साइंस के पीरियोडिक टेस्ट में पूरे पूरे नंबर आने, उस बात की गारंटी है। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो बस शुरू से लेकर अंत तक तुम जमे रहना वीडियो में, अगर तुम इस वीडियो कर लेते हो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं भाई 95% तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे, 95 से कम तुम्हारे टेस्ट में आ ही नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी। पूरे के पूरे नंबर साइंस के टेस्ट में तुम्हारे डायरेक्ट आ रहे हैं, इस बात की गारंटी है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं मैं उनको पहले बता दिया कि तुम्हारे भैया को 6 सालों का एक्सपीरियंस है और पिछले साल भी हमने साइंस का पेपर इसी तरह से लिख किया था, ये साइंस का प्री बोर्ड का पेपर लिखा था, इसको करीब प्री बोर्ड का पेपर करीब 5 लाख बच्चों ने देखा और तुम बिलीव नहीं करोगे यार, सारे के सारे बच्चों का पूरा पेपर डायरेक्ट इसी वीडियो से आ गया था, डायरेक्ट पूरा पेपर इसी वीडियो से आ। जिस बच्चे ने इस वीडियो को देख लिया था वो एकदम साइंस में टॉपर बन गया था, पूरे के पूरे नंबर उसके साइंस में डायरेक्ट आ गए, क्योंकि सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे। इसी तरह हम लोग चाहते हैं इस बार भी हम लोग प्री बोर्ड का और तुम्हारा मिड टर्म का जितने सारे ये पीरियोडिक टेस्ट का पूरा पेपर लीक कर दे। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले वो क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले ही इस वीडियो में बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले। और देखना इस बात की गारंटी, अगर तुमने इतने क्वेश्चन कर लोगे मैं तुमको इस बात की गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे पूरे के पूरे नंबर पीरियोडिक टेस्ट में आ रहे होंगे, तुम्हारा पूरा क्लास पीछे और तुम क्लास में पूरे आगे, इस बात की गारंटी है भाई। बस तुम शुरू से लेकर अंत तक जमे रहना, 95% तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे, 95 से कम तो तुम्हें टीचर दे ही नहीं सकता साइंस में, इस बात की गारंटी है। बस तुम शुरू से लेकर अंत तक जमे रहना, सारे क्वेश्चन कर लेना, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं भाई तुम अपने क्लास के टॉपर बन जाओगे, इस बात की गारंटी है। बस तुम इतना कर लेना, हर चैप्टर में तुम्हें ज्यादा नहीं 10 से 15 क्वेश्चन दूंगा, 10 क्वेश्चन दूंगा हर चैप्टर से, बस तुम्हें उतना ही करना, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं इस बात की गारंटी लेता भाई क्लास में तुम अपने क्लास में टॉपर बन जाओगे, तुम्हें तुम्हारे क्लास का टीचर भाई तुम्हारे एक नंबर नहीं काट पाएगा, इस बात की गारंटी है। और जो जो बच्चे चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि हम लोग इस बार पीरियोडिक टेस्ट का पेपर लीक कर देंगे, उसके बाद हम लोग मिड टर्म का ही पेपर लीक करने वाले, उसके बाद प्री बोर्ड का और बोर्ड एग्जाम लेवल तक का पेपर हम लोग इस चैनल पर लीक करने वाले। पिछले साल हमने सारे बच्चों को टॉपर बना लिया था, इस बार तुम्हारी बारी है। तो भाई अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुम सब्सक्राइब कर लो, तो भाई वीडियो तुम्हें मिलेगी नहीं, मैं तो क्लियर कर दूं भाई, कंटेंट नहीं खजाना है, मैं तो क्लियर कर दूं एकदम तुम टॉपर बन जाओगे, इस बात की गारंटी अपने क्लास के, कंटेंट नहीं खजाना है। तो अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। अब साइंस के पीरियोडिक टेस्ट में तुम्हारे दो दो चैप्टर करके आ रहे होंगे, मतलब तुम्हारा फिजिक्स से 2 चैप्टर, केमिस्ट्री 2 चैप्टर, बायोलॉजी 2 चैप्टर, इस तरीके से आ रहे होंगे। बहुत सारे स्कूलों में क्या हो रहा है, फिजिक्स से 1 चैप्टर, बायोलॉजी से 1 चैप्टर, केमिस्ट्री से 1 चैप्टर, तीनों से 1 चैप्टर आ रहे होंगे, जितने सारे चैप्टर आ सकते हैं मैंने यहाँ लिख रखे, हो सकता है 2 चैप्टर आ रहे हो सब तरफ से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इस तरीके 2 चैप्टर आ रहे हो सकता है 1 चैप्टर, जो भी चैप्टर आ रहे मैंने यहाँ लिख रखा है, मैंने इजी और हार्ड में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ये तुम्हारे इजी चैप्टर और हार्ड चैप्टर, इससे क्या फर्क पड़ता है भैया, बहुत फर्क पड़ता है मैं तुमको बता रहा हूँ, मैंने अपने 5 सालों का एक्सपीरियंस तुम्हारे चैप्टर को इजी चैप्टर और हार्ड चैप्टर के 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा। और ये जो तुम्हें मार्क्स दिख रहे हैं 14 नंबर 15, ये मिड टर्म के मार्क्स हैं, अभी तुम्हारे पीरियड टेस्ट का, लेकिन मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ तुम्हारे मिड टर्म में क्या वेटेज रहता है इन चैप्टर्स का, मेन पर्पस तो हमारे मिड टर्म होने वाला है अभी, इसके बाद पीरियड टेस्ट के बाद पीरियड टेस्ट में नंबर लाने जरूरी है, इसमें इसके नंबर तो प्रैक्टिकल में जुड़ते हैं पर मिड टर्म में हमारा मेन पर्पस होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इसको हमने इजी चैप्टर और हार्ड चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा। अब देखो इसका फायदा क्या है, अब कोई बच्चा देखो यार मान के चलो हार्ड चैप्टर, कोई बच्चा हार्ड चैप्टर से स्टार्ट करेगा, मान के चलो लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन से स्टार्ट कर लेगा या तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट कर लेगा, समझ के रखो मैं मानता हूं लाइफ प्रोसेस से याद कर लेगा। अब तुम्हारा बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस ही आ रहा है तो लाइफ प्रोसेस से ही स्टार्ट करना, अगर नहीं आ रहा 2 चैप्टर आ गए कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी आ रहा है तब तुम्हें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्यों स्टार्ट करना, अगर कोई बच्चा लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट करता अब वो चैप्टर बहुत बड़ा है, अब बच्चे को कुछ आता नहीं है, बच्चा पढ़ने लगेगा भैया सबको बनाने लगेगा बनाने लगे, बोले भैया इतना बड़ा चैप्टर पूरा डीमोटिवेटर मोटिवेटर का भाई नहीं पड़ेगा बच्चा। और इसी में यार अगर तुम्हारा ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, अब ये लाइफ प्रोसेस बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब कि लाइफ प्रोसेस 3 गुना इससे बड़ा है, तो ये बच्चा थोड़ा सा चैप्टर कंप्लीट करेगा बच्चा वाह भैया मोटिवेशन बढ़ गया मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, तो वो मोटिवेशन हमें चाहिए, इसलिए मैं पहले इजी चैप्टर बोलूंगा उसके बाद तुम्हारे हार्ड चैप्टर बोलूंगा, ठीक है। तुम्हारे इजी चैप्टर में क्या क्या आ रहा है, पहला केमिकल रिएक्शन इक्वेशन,
तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तुम्हारा पहला इजी चैप्टर, दूसरा एसिड बेस साल्ट इजी है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तुम्हारा बायोलॉजी से इजी है, और ह्यूमन आई तुम्हारा फिजिक्स से इजी है। ठीक है, ये नंबर पर ध्यान मत देना, ये तुम्हारा मिड टर्म वाले नंबर है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है हार्ड चैप्टर। अब हार्ड चैप्टर तुम्हारा क्या है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हार्ड है, बड़ा चैप्टर है। दूसरा तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, बड़ा चैप्टर है। उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यार, तुम्हारे साथ दो चीजें हो सकती है, या तो तुम्हारे स्कूल में लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ाया जा रहा हो, या तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जा रही होगी। जनरली चांसेस है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ाया जा रहा है, तो इसको तुम ध्यान से रखना। अब अगर तुम्हारा यही सिर्फ लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो सिर्फ तुम इसी को करो, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है। लेकिन अगर तुम्हारा ऑप्शन अगर ह्यूमन आई है, तो तुम ह्यूमन आई को पहले करो यार, इससे तीन गुना छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो तुम पहले इजी चैप्टर को करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके और तुम पूरे का पूरे नंबर ला सको। उसके बाद तुम हार्ड चैप्टर में आओगे। तुम पहले तुम इजी चैप्टर को लगा, तुम्हें लगा भैया एक ही चैप्टर बाकी, हार्ड भी रहेगा तुम कर ही लोगे, इस बात की गारंटी। ठीक है, तो हम चलते आगे। और हम लोग साइंस के पेपर को लीक करना स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं तुमको बता दूं यार कि इस वीडियो में हमने पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर करके, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा यार, पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर करके, जितने पॉसिबल क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं पीरियोडिक टेस्ट के एग्जाम में, वो सारे के सारे हमने कवर करके। अगर किसी बच्चे ने इतना कर लिया, मैं इस बात की गारंटी देता हूं उसका एक नंबर कोई टीचर नहीं काट पाएगा, पूरे के पूरे नंबर उसके आ रहे हो। जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं, सारे के सारे सिंगल वीडियो में हमने पूरा कवर कर रखा। अगर तुमने शुरू से लेकर अंत तक तुम जमे रहे, सारे के सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लिए, ज्यादा क्वेश्चन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, गिन के 10 क्वेश्चन दूंगा हर चैप्टर से, उससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। अपने क्लास के तुम एकदम टॉपर को पीछे छोड़ दोगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि हमने इसमें पूरी एनसीईआरटी कवर कर दिया, सब कुछ कवर कर दिया। इससे बाहर तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में आने का चांस ही नहीं, इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तुम्हारा 13 नंबर का आ रहा है तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम में। ठीक है, और पीरियोडिक टेस्ट में बहुत ज्यादा नंबर का ही आता है, क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट मान के चलो तुम्हारा जितना भी मार्क्स 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का तो तुम्हारा 10 to 12 मार्क्स का ये आ ही जाएगा, तो 10 to 12 मार्क्स का आता है। दूसरी बात क्या होती है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, बच्चों को बहुत डर लगता है भैया केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, बहुत सारे रिएक्शन है भैया, इतने सारे रिएक्शन है भैया, रिएक्शन तो हमसे याद नहीं होते, इतने ज्यादा रिएक्शन है भैया, हमसे ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं जाता। गिन के मैं तुम्हें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 10 रिएक्शन दूंगा, गिन के 10 रिएक्शन दूंगा, इससे बाहर तुम्हें करना ही नहीं है, बस तुम्हें 10 रिएक्शन करना है और तुम्हें कुछ नहीं करना। तो गिन के मैं तुम्हें इस चैप्टर में 10 रिएक्शन दूंगा, उससे बाहर तुम्हें कुछ नहीं करना, उससे बाहर तुम्हारे कभी भी यूनिट टेस्ट में कहीं भी तुम्हारा नहीं आएगा, मिड टर्म लेवल तक तुम्हारा नहीं आने वाला उससे बाहर, इस बात की गारंटी है। बस तुम्हारी एनसीईआरटी की रिएक्शन ही क्या करते हैं तुम्हारे पेपर में आते, तुम्हारे टीचर क्या करते हैं एनसीईआरटी की रिएक्शन उठाते हैं और पेपर में डाल देते हैं, और उसको तुम्हें सॉल्व करने बोलता है, वही रिएक्शन में तुम्हें कराऊंगा, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है भाई, हाँ बातें नहीं कर, इस बात की गारंटी। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तुम्हारा सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड विद देयर एग्जांपल। अब देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार कि तुम्हें रिएक्शन पता। अब कोई टीचर तुमने नहीं पूछा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं पूछते, तुम्हें उसका रिएक्शन पता होना चाहिए, उसका जो नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन नहीं पता चलेगा भाई, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तुम्हें पता है कि हाँ, इसका एक एग्जांपल तुम्हें पता होना चाहिए, इसका रिएक्शन कैसे होता है। कोई भी रिएक्शन अगर तुमने बोला कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तुम्हें डेफिनेशन नहीं पता चलेगा कैसे होता नहीं पता, लेकिन एक रिएक्शन का एग्जांपल, कोई एग्जांपल ही पूछते हैं कि हाँ इसका एग्जांपल एक बता दो, तो वो तुम्हें याद होना चाहिए, इस बात की गारंटी। ठीक है, तो वो तुम्हें ध्यान में, रिएक्शन मेन होता है केमिस्ट्री में रिएक्शन मेन होता है, एग्जांपल डेफिनेशन से फर्क नहीं पड़ता। कोई तुम्हें नहीं बोलेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बता दो, तुम्हें बोलेगा कि इसका रिएक्शन बता दो, तो मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस, मैं तो 6 साल का एक्सपीरियंस बता दो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है, जो तुम्हारा 3 नंबर का आता है, क्लियर वाली बात है, 3 नंबर का तुम्हारा आता है टेस्ट में। अब देखो इसमें होता क्या है, तुम्हारा क्वेक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराता है वाटर से, जो तुम्हारा स्लेक लाइम बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में बनता है प्लस हीट निकलती है। अब इसमें तुम्हारा ये जो स्लैक लाइम होता है, ये तुम्हारे बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, कि स्लैक लाइम को किस चीज में यूज किया था, स्लैक लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को व्हाइट वाशिंग के लिए यूज किया, व्हाइट वाशिंग जो तुम्हारे मार्बल के घर रहते हैं ना, जैसे तुम्हारा ताजमहल वगैरह मार्बल का, उसको व्हाइट वाशिंग के लिए, उसको साफ करने के लिए स्लैक लाइम का यूज किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया था। तो ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, इसको तुम ध्यान में रखना कि स्लैक लाइम को यूज किया था व्हाइट वाशिंग के लिए। तो यहां तुम देख लो, ये रिएक्शन तुम्हें याद करना है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको स्लैक लाइम बोलते हैं, और हीट निकलती है। ठीक है, क्लियर वाली बात है, पहला रिएक्शन 3 नंबर का। दूसरा तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है भाई साहब, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा क्या होता है कि फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट देते हैं, फेरस सल्फेट को जैसे ही हम लोग हीट देते हैं, फेरस इसका ये हीट का सिंबल होता है, फेरस सल्फेट को जैसे ही हीट देते हैं हम लोग का बन जाता है फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद तुम्हारी इसकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। ये रिएक्शन तुम्हें याद होना चाहिए जब भी तुम्हारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पूछा जाए, तो ये रिएक्शन तुम चिपका के चलाना, पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक, क्लियर वाली बात है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड में तुम्हारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये रिएक्शन बहुत पूछा जाता है टेस्ट में, प्री मिड टर्म एग्जाम में। तो अब इसमें तुम्हारा क्या होता है कि सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराया जा रहा है। अब तुम्हारा क्या बन जा रहा है, इसे बेरियम सल्फेट बन जा रहा है और सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है, सिंपल सा ये रिएक्शन तुम्हें याद होना चाहिए। और ये जो बेरियम सल्फेट वाला ये रिएक्शन है तुम्हारा डबल डिस्प्लेस, ये तुम्हारा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है। इसमें यहाँ पीपीटी फॉर्म हो रही है, पीपीटी मतलब कि कोई हार्ड सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इस तरीके गोल गोल बनते हैं, तो वो हार्ड सब्सटेंस यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो वो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेट रिएक्शन है। गिन के मैं तुम्हें गिन के 8 से 10 रिएक्शन दूंगा, गिन के 8 रिएक्शन दूंगा, गिन के 10 रिएक्शन।
दूंगा, उससे बाहर तुम्हें नहीं करना। 8 से 10 रिएक्शन दूंगा, उससे बाहर करना ही नहीं। क्लियर वाली बात है, ठीक है। मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है, तुम्हें पता है तुम्हारे भैया ने बहुत आगे तक 10th के बाद 12th तक की तुम्हारी साइंस पढ़ रखी है, 12th के आगे तक की साइंस पढ़ रखी है, तो भाई मुझे एक्सपीरियंस ना साइंस में बहुत ज्यादा है। मैं तो क्लियर कर दूं, मैथ और साइंस में, ये मेरा पीसीएम फील्ड से हूं मैं, तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है इन चीजों में, मैं तो क्लियर कर दूं, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं भाई साहब। उसके बाद तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये रिएक्शन बहुत आता है बोर्ड में, ये रिएक्शन बोर्ड में बहुत आता है। पिछले साल सीबीएसई के सैंपल में छपा था, बोर्ड में भी आया था। तो ये रिएक्शन जो है तुम्हारा, ये रिएक्शन तुम्हारा जैसे इस जिंक वाला है, इसके तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 3 रिएक्शन हो सकते हैं। ये जिंक वाला और फेरस सल्फेट वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम देख लेना। जिंक जब भी कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है, जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर अलग से निकल जाता है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट तुम्हारा, ठीक है। ये 5-5 नंबर में तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और ये भी 5 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, और 2-3 रिएक्शन में 5 नंबर वाले क्वेश्चन इससे आते हैं। क्लियर वाली बात है, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं। अब तुम्हारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अब भैया प्रेसिपिटेशन ये 5वां रिएक्शन है, याद रखना भाई, मैं तो 10 रिएक्शन बोला, ये 5वां नंबर रिएक्शन है, अब इसको तुमको याद करना है। अब ये रिएक्शन मैंने तुम्हें पहले दिखाया था, याद है, ये रिएक्शन मैं तुम्हें यहां पर दिखा था, मैंने तुम्हें बोला था पीपीटी फॉर्म होती है, सेम रिएक्शन, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब किसी भी रिएक्शन में पीपीटी फॉर्म, मतलब कि मैंने कोई चीज रिएक्ट कराई, ये रिएक्ट कराया मैंने, अब इसको दो चीज रिएक्ट कराया, जब छोटे छोटे बॉल्स फॉर्म होने लगते हैं अंदर में, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पीपीटी फॉर्म हो रही है, इसको पीपीटी बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एग्जांपल पूछेंगे तो तुम पता के चले आना, सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से, बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनती है। क्लियर वाली बात है, ठीक है। अब तुम्हारा मेन है ये रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन भाई साहब ये तुम्हारे पेपर में छपना ही छपना है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये तुम्हारे यूनिट टेस्ट के पेपर आने ही आने बाद गारंटी है। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये देख लो भाई, ये तुम्हारे 3 नंबर का तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में आने ही आने बाद 100% गारंटी है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम ध्यान से देख लो भाई, ये रिएक्शन तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में आने ही आने बाद गारंटी है। तो रेडॉक्स रिएक्शन से हमारा सीबीएसई वाले का, स्कूल वाले का सबका फेवरेट होता है। क्लियर वाली बात है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें तुम्हारा होता क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन मतलब तुम्हारा क्या, ऑक्सीडेशन और तुम्हारा रिडक्शन दोनों साथ में। और ऑक्सीडेशन कब बोला जाता है, जब कोई चीज ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है, और जब कोई चीज ऑक्सीडेशन को लूज करता है, ऑक्सीजन को हटा देता है। मान के चलो मैंने ऑक्सीजन पकड़ लिया तो मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, अब मैंने ऑक्सीजन बोला हट था, ऑक्सीजन फालतू चीज होती, उसको छोड़ दिया ऑक्सीजन को, तब मेरा रिडक्शन हो गया। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये तुम्हें देखना है। तो अब यहां पर देखो रिएक्शन में क्या, कॉपर को हमने जब थोड़ा सा क्या किया, जब कॉपर को हमने थोड़ा सा हीट दिया, इसके साथ क्या, हाइड्रोजन के साथ हमने हीट दिया कॉपर को, तो क्या हुआ यहां पर, जो हाइड्रो पहले ये कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अब ये क्या हुआ, ये जो रिएक्शन जब हुआ, ये जो हमने हीट दिया, तो ये क्या, कॉपर को हमने थोड़ा हाइड्रोजन के साथ जब हीट दिया, तब क्या किया, ये कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन से H2O बन गया, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ हमारा ऑक्सीजन था, अब ये ऑक्सीजन यहाँ जाके इसका ऑक्सीजन चला गया, मतलब क्या, इसका रिडक्शन हो गया, कॉपर का यहाँ रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अकेले था, अब रिएक्शन के बाद क्या हुआ, इसके साथ एक ऑक्सीजन भी आ गया, देखो हाइड्रोजन है यहाँ, ऑक्सीजन आ गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो यही जब कोई रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा हूँ, तब उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ये तुम्हारा डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन नहीं मानेगा ये रिएक्शन मांगेगा। तो ये रिएक्शन तुम्हें चिपका के चले आना, पूरे नंबर ले जाना। क्लियर वाली बात है, ठीक है। ये रिएक्शन तुम्हारा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। अब इसका तुम फर्क समझो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तुम्हारा क्या होता है, कोई भी रिएक्शन जिससे हीट निकल रही हो, जैसे तुमने माचिस जलाया, ऐसे तुमने रिएक्ट कराया, उसे हीट निकल गई, तो ये माचिस हुआ एक्सोथर्मिक हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा, तुम्हारा क्वेक लाइम वाले, याद है तुम्हें वही रिएक्शन, क्वेक लाइम को जब हम लोग वाटर में रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट कराते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम बनता है, जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होती थी, उसके साथ तुम्हारा हीट निकलता है। जब हीट निकली, किसी भी रिएक्शन से हीट निकली, मीनिंग क्या, वो एक्सोथर्मिक है, इससे तुम्हारा हीट निकल गया, आग निकल गई, गर्मी निकल गया, तो एक्सोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत 5-5 नंबर का भी पेपर में आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या, अब इसका एकदम उल्टा है। अब पहले इस रिएक्शन होने से क्या होता है, हीट निकलता है, अब इसको हीट चाहिए होती है रिएक्शन करने के लिए, इसको हीट चाहिए होती है, भैया हीट दो तब रिएक्शन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। क्लियर वाली बात है, तो अब इसको हीट चाहिए होती है रिएक्शन का। अब ये यहां कैसे होता है, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल तुम्हें पता होना चाहिए। एग्जांपल तुम्हारा क्या, AgCl, तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट देते हैं, सनलाइट क्या दे रहे, हीट ही दे रहे। सनलाइट क्या भाई, हीट ही है ना, एक तरह की हीट ही है, डेल्टा हीट है, सनलाइट हीट है, हीट को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो उतना तुम दिमाग मतलब, सनलाइट हीट है, गर्मी है सनलाइट। अब AgCl को जिससे हम लोग सनलाइट देते हैं, तो वो क्या बनता है, Ag अलग हो जाता है तुम्हारा और Cl अलग हो जाता है, तो AgCl दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि सनलाइट को जैसे हम लोग हीट देते हैं, वो तुम्हारा Ag अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, तो मतलब कि तुम्हारा रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन किस बेस पर, इसको हमें हीट देना पड़ रहा था, रिएक्शन हो रहा था, ये तुम्हारा AgCl का इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा क्या, एक्टिविटीज। अब एक्टिविटीज तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एक्टिविटी है भाई, ये तुम्हारे साइंस के पेपर में आना ही आना है, इस बात की गारंटी है। ये एक्टिविटी है, इसको तुम ध्यान से देख लो भाई, ये तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के पेपर में 3 नंबर का आना ही आना है, इस बात की गारंटी है। तो ये एक्टिविटी तुम ध्यान से देख लो भाई, ये तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के पेपर में 3 नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा, इस बात की गारंटी है भाई। तो
बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये तुम्हारा क्या एनसीईआरटी के पहले पेज में ही डाला हुआ है। क्लियर वाली बात है। अब तुम देखो इसमें तुम्हारा क्या है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, इसमें तुम्हें करना एक्टिविटी। भैया बच्चे पूछते भैया क्या हमें एक्टिविटी बनानी रहती है, एक्टिविटी क्या हमें पेपर बनाना रहता है कि भैया एक्टिविटी ऐसे ही पूरा तुम बना के आ जाओ। नहीं, एक्टिविटी हमें बनाना नहीं होता, एक्टिविटी हमें समझना होता है। एक्टिविटी कैसे, तुम्हें पहले रिएक्शन देखना पड़ेगा, एक्टिविटी का रिएक्शन क्या, एक्टिविटी का रिएक्शन तुम्हारा कैसे। जैसे तुम्हारा एम जी है, उसको हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो एम जी ओ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब ये इतना ही है बस, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है, जब ये मैग्नीशियम को जलाते हैं, व्हाइट कलर की मैग्नीशियम ऐसी पट्टी होती है, व्हाइट कलर की मैग्नीशियम की ऐसी पट्टी होती है, मैग्नीशियम ऐसा दिखता है, व्हाइट कलर का ऐसी पट्टी होती है मैग्नीशियम, ऐसा कलर का दिखता है मैग्नीशियम। तो इस तरह का हमारा मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम व्हाइट कलर की एक पट्टी रिबन टाइप का होता है। इसको जलाने से क्या होता है, बहुत तेज रोशनी निकलती है, बहुत तेज रोशनी, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो तुम्हें बताना है कि जब भी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हम लोग करते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारा डिजलिंग, DIZZLING, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम्स, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम्स, WHIT व्हाइट फ्लेम्स, फ्लेम्स, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम से ही जलता है, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम से, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम से ही क्या जलने लगता है। तो ये तुम्हें इतना बताना कि जब भी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन होती है, यही वाली व्हाइट वाली पट्टी ऐसे करके रहती है, और इसको जब हम लोग जलाते हैं फायर से तो ये बहुत तेज रोशनी निकलता है, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम से जलता है। और नीचे इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम MgO, यहाँ देखो लिखा हुआ है MgO की क्या है कि यहाँ व्हाइट पाउडर निकलने लगता है। तो ये इतना ही और एक्टिविटी, बस तुम्हें इतना ही करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें ये रिएक्शन याद होना चाहिए और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हाँ इसको डिजलिंग व्हाइट फ्लेम से जलती है और तुम्हारा MgO का पाउडर निकलता है। तीसरे कोई काम नहीं, एक्टिविटी बनानी नहीं तुम्हें, ये फोटो तुम्हें बनानी है। क्लियर वाली बात, तुम्हें पता होना चाहिए हो क्या है एक्टिविटी में, बस इतना ही बोर्ड लेवल तक, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या, हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इसमें तुम्हारा क्या होता है कि हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट, जब लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं तो हीट करते ये रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही लीड नाइट्रेट इससे हम लोग NO2 के जो तुम्हारे ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ब्राउन फ्यूम्स BROWN, ब्राउन फ्यूम्स, यही तुम्हें याद रखने, बस इतना ही चीजें। ये सारे की पॉइंट्स है एक्टिविटी के, ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट। भाई तुम कुछ करो नहीं करो, एक्टिविटी कर लेना केमिस्ट्री में, क्योंकि भाई इससे डायरेक्ट पेपर आता, मतलब पेपर तो केमिस्ट्री में तुम्हारा कितने नंबर का पेपर आता, मान के चलो तुम्हारा पेपर आ रहा है, पेपर 80 मार्क्स का रहा सब मिला के पूरे बुक में, मैं बोलता हूँ 80 मार्क्स में 30 मार्क्स की तुम्हारी खाली एक्टिविटी आ जाती है, खाली 30 मार्क्स की एक्टिविटी। तो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो, फिजिक्स ले लो, बायोलॉजी में सबसे कम लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा एक्टिविटी होता है बोर्ड के पेपर के लेवल के लिए, तो तुम्हारा केमिस्ट्री में होता है। तो तुम ध्यान रखना, केमिस्ट्री की एक्टिविटी को छोड़ना, क्लास 10 में सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। क्लियर वाली बात है, ठीक है। तुम्हें क्या करना, ब्राउन फ्यूम से जलता है ये NO2 के निकलता है। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, लीड नाइट्रेट को हम लोग जैसे ही हीट देते हैं, तो ये तुम्हारा क्या है, लीड ऑक्साइड बना लेता है। लीड ऑक्साइड के साथ तुम्हारा क्या होता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स निकलती है और साथ में ऑक्सीजन निकलता है। तो ये रिएक्शन तुम्हें याद करना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट। इस पर तुम्हें दो ही चीज ध्यान रखनी है, जैसे ही हम लोग हीट देते हैं लीड नाइट्रेट को, इससे NO2 की ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, देखो ब्राउन कलर की निकल रही है, ये तुम्हें ध्यान में रखना, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं। अब तुम्हारा क्या है, आयरन नेल्स डिप्ड ऑन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट। इसमें तुम्हारा क्या है कि जैसे ही क्या किया, तुम्हारा तुमने जिंक डाला, जिंक में तुमने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक डाला। अब तुम्हारा क्या हुआ कि जिंक सल्फेट अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया, तो ये रिएक्शन तुम्हें याद होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जैसे ही हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है, इसमें जैसे ही हम लोग जिंक डालते हैं, आधे घंटे तक ये ऐसे ही ब्लू कलर का था, इसमें हमने क्या किया, जिंक डाल दिया। अब जैसे ही जिंक डाला, आधे घंटे तक ब्लू कलर, आधे घंटे के बाद जैसे ही कलरलेस में हो जाएगा, ये कलरलेस आधे घंटे तक, ये तो पहले ब्लू था, ये ब्लू कलर का था पहले, लेकिन आधे घंटे आफ्टर 30 मिनट्स ये टोटल कलरलेस हो गया। तो ये तुम्हें दो चीजें ध्यान रखनी है, ये अभी तुम्हें, ये तुम्हें बनाना नहीं है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ हो क्या रहा है, जैसे डिंग डाला, आधे घंटे तक तो ये ब्लू रहता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कभी भी CuSO4 का सोल्यूशन ब्लू कलर का रहता है। जैसे उसमें जिंक डाला, आधे घंटे तो नॉर्मल रहा, उसके बाद ये ब्लू कलर का हो गया, क्योंकि इतना ही तुम्हें याद रखना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, कोरोजन मतलब क्या, जंग लगना, लोहे की चीज तुमने देखी वहाँ जंग लगता है। रेंसिडिटी का डेफिनेशन तुम्हें पता है, रेंसिडिटी क्या, तुम लेस खाया होगा, लेस के पैकेट तुमने देखा, हवा भरी रहती है, हवा इसलिए भरी रहती है कि लेस खराब ना हो जाए, क्योंकि लेस आज पैक हुआ तो हो सकता है 3 महीने बाद बिके, तो उसके लिए वो रेंसिडिटी, उस मेथड को जो हम लोग नाइट्रोजन से हम लोग पैकिंग करते हैं, वैकम पैकिंग करते हैं नाइट्रोजन डाल के, उसमें नाइट्रोजन वाली हवा भरी रहती है, तो उसके वैकम पैकिंग को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। ये 3-3 नंबर का तुम्हारा डेफिनेशन आया, इसका डेफिनेशन याद रखना ना। उसका बैलेंसिंग ऑफ कैपिनेशन लिख रहा है, ये जो बैलेंसिंग वाला रिएक्शन है भाई, ये बैलेंसिंग जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में जितने नंबर की केमिस्ट्री आ रही, पूरा का पूरा केमिस्ट्री इस पे बेस्ड है। तो ये बैलेंसिंग वाला तुमको याद कर लेना भाई, कम से कम 10-15 नंबर ये तुम्हें बैलेंसिंग वाला ही चीज तुम्हारे यूनिट टेस्ट में दिला रहा हूं, तो ये बैलेंसिंग वाली चीज तुम ध्यान से देख लो यार, ये तुम्हें यूनिट टेस्ट के पेपर में 10-15 नंबर ऐसे ही दिलवा देगा, इस बात की गारंटी है। तो ये बैलेंसिंग वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। बैलेंसिंग क्या होता है, बैलेंसिंग देखो यार, हर रिएक्शन में तुम्हें बैलेंस करना, जब तक तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे तुम्हें ये बैलेंसिंग काम आएगा, पहली चीज, ठीक है। अब बैलेंसिंग में होता क्या, देखो
बैलेंसिंग तुमने क्लियर केमिकल, ये आखिरी पेज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन खत्म हो गया तुम्हारा। अब मैं तुम्हें थोड़ी बैलेंसिंग बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना यार, बैलेंसिंग और केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें एक बैलेंस करने की ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तुम्हें पता तुम्हारे भाई को 6 सालों का एक्सपीरियंस है, अगर तुम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना भाई, केमिस्ट्री तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी, बिना बैलेंसिंग के तुम्हारी केमिस्ट्री मुट्ठी में नहीं आएगी, मतलब दिक्कत होगी केमिस्ट्री में तुम्हें। तो ये अगर तुम बैलेंस करना सीखे केमिस्ट्री में तुम किंग बन जाओगे, इसलिए मैं एफर्ट लगा के बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना बैलेंस कैसे होता, तरीका क्या होता बैलेंस करना, क्लियर वाली बात है, इसको मैं रिएक्ट कर दिखाऊँ। अब ये रिएक्शन तुम्हारा बैलेंसिंग और केमिकल रिएक्शन, ये तुम्हें दिख रहा है डबल डिस्प्लेंट रिएक्शन है, वही तुम्हारा सोडियम सल्फेट वाला बेरियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करने के मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये तुम्हारा 5 नंबर में, 3 नंबर में भी तुम्हारा आता है ये सारी रिएक्शन, ठीक है। अब मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, ये रिएक्शन पहले हो कैसे, तो ये रिएक्शन पहले तुम्हें हो सकता है बोर्ड में करने भी दिया जाए, तो पहले मैं तो इसको रिएक्शन को खाली कर देता हूँ। अब ये रिएक्शन इनकम्प्लीट, अब इसको रिएक्शन को किया कैसे जाता है भैया ये बता दो। अब देखो मैं रिएक्शन करूँगा तुम्हारे सामने, ठीक है। सबसे पहले क्या है तुम्हारा, मैंने देखा कि यहाँ सोडियम सल्फेट है, फिर मैंने देखा यहाँ बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब मैंने देखा यार कि यहाँ सोडियम एक चीज़ यहाँ सोडियम हो गई, एक यहाँ सल्फेट हो गया, ठीक है। फिर ये रिएक्ट किससे कर रहा है, बेरियम से कर रहा है, क्लोराइड से कर रहा है, बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है। अब मैंने देखा यार कि यहाँ Na और Cl साथ में बन सकता है, NaCl तुम्हें पता नमक होता है, NaCl नमक होता है, तो मैंने क्या किया यार Na और Cl को उठाया, NaCl को उठाया और यहाँ मैंने लिख दिया भाई कि NaCl लिख दिया मैंने, प्यार से NaCl लिख दिया, ठीक है। NaCl मैंने लिख दिया, पहला मेरा बन गया NaCl, ठीक है। इसको मैंने इसको और इसको रिएक्ट करा दिया, Na और Cl को रिएक्ट करा, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने देखा सल्फेट और बेरियम बचा, अब मुझे पता है सल्फेट तो लास्ट में होता है, मैंने देखा सोडियम सल्फेट देखा दुनिया, सल्फेट और बेरियम आगे होता है, फिर मैंने लिख दिया यार यहाँ बेरियम Ba और फिर मैंने लिख दिया कि SO4 सल्फेट बना दिया, SO4 सल्फेट लिख दिया। अब मुझे पता चल गया कि यार बेरियम आ गया तो सल्फेट पीछे, तो मैंने इसको और इसको भी रिएक्ट कर दिया, मेरे रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, अब मैंने यहाँ देखा मैच करके, तो मैंने देखा यार BaSO4 तो ठीक है भाई, पर यहाँ 2NaCl लिखा हुआ, मतलब ये रिएक्शन मेरा गलत हो गया यार, 2 कहाँ से आया, यहाँ 2 कहाँ से, मैंने रिएक्शन तो ठीक ठाक कराया था भाई, पर यहाँ 2 कहाँ से आया, Na के आगे 2 लगा हुआ वहाँ पर, तो ये 2 जो है ये तुम्हारा कहाँ से आया, Na के आगे जो ये 2 लगाया मैंने, ये रिएक्शन गलत हो गया, बिना 2 लगे Na के आगे ये रिएक्शन गलत है, बिना क्योंकि बैलेंस नहीं तो टीचर काट देगा, पूरा काट देगा ये रिएक्शन को। तो इसको बैलेंस कैसे किया, 2 लगाना जरूरी है, 2 हमें पता कैसे लगा भैया 2 लगा। अब मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पर देखा यहाँ 4 चीज़ें, पहले मैं इरेजर लेकर मिटा लेता हूँ फटाफट, मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर 4 चीज़ें, 4 चीज़ें क्या क्या है, पहले तुम्हारा Na है, सोडियम है, फिर देखा मैंने सल्फेट है दूसरी चीज़, फिर मैंने देखा यहाँ तीसरी चीज़ बेरियम है, चौथी चीज़ क्लोराइड, ठीक है। अब ये पूरी चीज़ तरफ से, ठीक है, अब दोनों तरफ से चीज़ हम लोग देखेंगे। अब देखो मैंने देखा यहाँ पर सोडियम, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक तरफ सोडियम Na लिख लिया, फिर मैंने दूसरे बॉक्स में लिख दिया सल्फेट, फिर मैंने देख लिया बेरियम, फिर मैंने लिख दिया क्लोराइड। अब इधर साइड, इधर राइट हैंड साइड में यहाँ 4 चीज़ें हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हमारी 4 चीज़ें हैं, टोटल 4 चीज़ें। अब मैंने देखा कि जितनी चीज़ें राइट में है, अब मैंने देखा राइट में सबसे पहले सोडियम कितना है, सोडियम Na होता है, तो Na कितना है, Na यहाँ पर 2 है, Na की पावर यहाँ 2 है, तुम्हें दिख रहा होगा, तो Na 2 है तो मतलब 2Na है, तो मतलब Na की पावर यहाँ 2 है, तो मतलब 2Na है हमारा राइट साइड में, इधर साइड जितनी ये हम पर्पल में लिखेंगे, और उधर साइड जो हमने करा रखा वो हम लोग यहाँ ग्रीन में लिखेंगे, ठीक है। फिर मैंने देखा सल्फेट कितना है, मैंने देखा सल्फेट यहाँ पर 1 है, सल्फेट SO4 एक ही चीज़ होती है, सल्फेट का कोई पावर मतलब ये पावर नहीं है, SO4 एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ SO4 एक ही है, तो मैंने देखा SO4 तो इधर साइड एक ही है, फिर मैंने देखा यहाँ बेरियम कितना है भाई, मैंने देखा यहाँ बेरियम तो एक ही है, बेरियम का कुछ नहीं होगा, तो बेरियम तुम्हारे 1 है, ठीक है। फिर मैंने देखा Cl क्लोरीन होता है, अब Cl की पावर यहाँ 2 लगी हुई, मैंने देख लिया कि भाई 2 लगी पावर, मतलब यहाँ क्लोरीन 2 है, ठीक है। अब ये दोनों मैच करने चाहिए, ठीक है, बैलेंस होने के लिए, मतलब इधर जितना पावर है उधर ही उतना है। मैंने देखा NaCl दोनों एक एक है, मैंने यहाँ देखा, देखो पहले मैंने देखा, पहले मैंने यहाँ देखा कि बेरियम यहाँ Na यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर NaCl जो बना है Cl भी 2 है। अब मैंने देखा यार ये बिना 2 लगाई Na भी एक रहेगा, Cl भी एक रहेगा, अगर तुम 2 मिटा दो, अगर मैं 2 मिटा दूं, अगर मैं 2 मिटा दूं, ये जो 2 मैंने लिख रखा था ये मैं मिटा दूं, तो क्या NaCl एक एक है। अब मैं जब 2 लगा दूंगा यहाँ आगे, मैं 2 लगा दूं, 2NaCl लगा दूं, मतलब 2Na है, 2Cl भी है, तो यहाँ भी Na 2 हो जाएगा और Cl भी 2 हो जाएगा, तब ये बैलेंस हो जाएगा, Cl भी बैलेंस हो जाएगा, Cl 2 नहीं होगा, यहाँ Cl होगा, ठीक है, Cl होगा, किसी क्लोरीन होगा, ठीक है। फिर मैंने देखा यार बेरियम, तो बेरियम मैंने देखा यार एक है यहाँ बेरियम, तो यहाँ बेरियम एक है और सल्फेट एक है, तो ये दोनों यहाँ इस तरीके से बैलेंस हो गया। तो ये टेबल बना के तुम बैलेंस कर सकते हो, ये तुम मन में भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के लिए तुम्हें टेबल आना चाहिए। तो ये टेबल अगर तुम कर लो भाई बैलेंसिंग में तुम किंग बन जाओगे, मैंने तुम्हें दिखाया कि किस तरीके से रिएक्शन होता है, कैसे बैलेंसिंग की, इतना अगर तुम कर लो भाई केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तुम किंग बन जाओगे, इस बात की गारंटी है। अब ये रिएक्शन तुम्हारा कंप्लीट है, 110% ये रिएक्शन सही है तुम्हारा, 110% ये रिएक्शन तुम्हारा सही है, रिएक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इतना अगर तुम कर लो केमिकल रिएक्शन तुम किंग बन जाओगे, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे तुम आगे, अगर तुम इतना कर लो, जितनी चीजें मैंने बताई है कॉपी पेन लेके नोट कर लो, इतना अगर तुम कर लो भाई केमिकल रिएक्शन तुम किंग बन जाओगे, ठीक है। अब हम चलते नेक्स्ट चैप्टर, अब हम लोग आते हैं अपने केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर, जो तुम्हारा एसिड बेसिस सॉल्ट, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, और तुम्हारे ये प्रायोरिटी टेस्ट में भी आने वाला हो, क्योंकि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बहुत छोटा चैप्टर है, तो उसके साथ ये पेयर होकर हमेशा आने वाला, गारंटी वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। अब तुम्हारी एसिड बेसिस सॉल्ट ये तुम्हारा मिड टर्म के पेपर 13 नंबर का आता है और प्रायोरिटी टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छा वेटेज इसका रहता है, क्लियर वाली बात है, तो इसको तुम्हें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब तुम्हारा पहला, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा प्रिपरेशन रिएक्शन एंड यूजेस,
ये जो प्रिपरेशन रिएक्शन है यूजर भाई, ये नॉर्मल चीज नहीं है, इस बात की गारंटी है, 99.99% गारंटी यार, ये तुम्हारा प्रिपरेशन रिएक्शन है, ये तुम्हारे पीरियड टेस्ट पेपर आने वाला है, इस बात की गारंटी है, 99.99% गारंटी है, ये जो प्रिपरेशन रिएक्शन है तुम्हारे पेपर में आने वाला है, ये जो रिएक्शन है ये तुम्हारे पीरियड टेस्ट के पेपर में आने वाला है, इस बात की गारंटी है। तुम ध्यान से देख लो भाई, ये जो प्रिपरेशन रिएक्शन है ये तुम्हारे पीरियड टेस्ट के पेपर में 5 नंबर का आना ही आना है, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो ये जो प्रिपरेशन रिएक्शन है यार, इस बात की गारंटी है भाई, ये तुम्हारे प्रायोरिटी टेस्ट के पेपर 5 नंबर का आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इस बात की गारंटी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें तुम्हारे क्या सबसे पहले तुम्हारी इसमें 5 चीजें हैं, प्रिपरेशन रिएक्शन एंड देयर यूजेस, ठीक है। अब ये तुम्हारा 5 नंबर का आएगा, इसमें 5 रिएक्शन टोटल होंगे तुम्हारे, पहला तुम्हारा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, फिर हम लोग आगे आते हैं, उसके बाद तुम्हारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और तुम्हारा इसके बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हारा होगा क्लोरो अल्कली प्रोसेस, क्लोरो अल्कली प्रोसेस जो तुम्हारा एनएओएच का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। ये 5 चीजें होंगी, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला तुम्हारा प्रिपरेशन है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, इसके साथ जो फॉर्मूला है इसका, ये तुम्हें वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, सोडियम कार्बोनेट इनटू डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इनटू 10H2 डेकाहाइड्रेट को बोलते हैं। वाटर का जो बहुत हार्डेस्ट फॉर्म होता है इसको डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, मैंने तुम्हें बताया कि मैंने केमिस्ट्री बहुत आगे तक पढ़ रखी है, इसको डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट इनटू डेकाहाइड्रेट, ठीक है। डेकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट इनटू डेकाहाइड्रेट को बोलते हैं हम लोग सोडियम वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है, बनता कैसे, तुम्हें दो चीजें याद रखनी है। वॉशिंग सोडा का पहले फॉर्मूला क्या होता, क्या क्या होता है, पहली चीज फॉर्मूला क्या होता है ये वाला, पहली चीज तुम्हारा फॉर्मूला, दूसरी चीज तुम्हारा क्या कि इसका रिएक्शन ये बनता कैसे, वॉशिंग सोडा में बनाना तो बनाएंगे कैसे, तो ये रिएक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। तीसरी चीज तुम्हें पता है इसका यूजेस क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज आता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये तुम्हें 3 चीज पता होना चाहिए, मैं तो रिएक्शन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तुम्हारा वॉशिंग सोडा, सबसे ज्यादा तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को लिया जाता है, इसको डेकाहाइड्रेट 10H2 से डायरेक्ट रिएक्ट कराया जाता है, मतलब तुमने सोडियम कार्बोनेट लिया इनटू 10H2 से रिएक्ट करा दिया, डेकाहाइड्रेट से रिएक्ट करा दिया, फिर तुम्हारा बन गया सोडियम कार्बोनेट, इससे इजी रिएक्शन क्या होगा भाई, मतलब Na2CO3 को रिएक्ट करा दिया 10H2O से, तो Na2CO3 10H2O बन गया, इजी रिएक्शन, ये रिएक्शन तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा फिर बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 मतलब तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया बेकिंग सोडा, ठीक है। अब ये तुम्हारा होता क्या है, ये बनता कैसे, अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग NaCl लेते हैं, नमक ले लेते हैं, फिर हम लोग पानी ले लेते हैं, NaCl को हम लोग वाटर से रिएक्ट करते हैं, उसके साथ तुम्हारा CO2 मतलब तुम्हारा क्या क्या है कि तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट है, उसके साथ हमें अमोनिया चाहिए होता है, अमोनिया NH3 अमोनिया, तो ये तुम्हारा चारों चीजें मिला के तुम्हारा क्या है, NaCl H2O CO3 CO2 और तुम्हारा NH3 मिला के तुम्हारा बनाता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, NH3 मतलब अमोनिया, NH4 मतलब अमोनियम, ठीक है। तो अमोनियम को ये तुम्हें इसकी तुम्हें कोर्स नहीं करनी, ये रिएक्शन तुम्हें रट लेना, घोट लेना, पी जाना, कुछ भी कर लेना, मुझे नहीं पता, ये रिएक्शन याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम याद कर लेना कि जिस तरह अमोनिया से रिएक्ट होता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है और तुम्हारा बनाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और तुम्हारा ये बनाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। ये हमारी काम की चीज है, ये तुम्हारा हो गया बेकिंग सोडा, ये तुम्हारा प्रिपरेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन तुम्हें याद होना चाहिए, क्लियर वाली बात है, मैंने समझा दी। आगे तुम्हारा क्या प्रिपरेशन रिएक्शन यूजेस, हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, जो घर वर साफ करने में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो तुम्हारा बना उसको हम लोग क्लोरीन से रिएक्ट करा देते हैं, सीधा हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाता है और साथ में वाटर मिल जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि क्या करते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्ट करा दी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलकर वाटर मिलकर साथ में, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारा हो गया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको तुम्हारा भाई साहब ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम देखना थोड़ा डिफिकल्ट रिएक्शन भी है, ठीक है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब इसमें तुम्हारा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस तुमने सुना होगा, जो घर में पेरिस वगैरह करते हैं, मिट्टी ऐसा रहता है जो दीवारों में लगाते हैं, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे मूर्ति वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उससे मूर्ति वगैरह में। इसका फॉर्मूला तुम्हें क्या होता है, इसका फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ एच टू होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। उसमें तुम्हें बनता है कैसे, तो अब देखो, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस देखो होता क्या, दो तरीके से, सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ प्लास्टर, ये रिएक्शन तुम्हें याद होना चाहिए, इसका कोई मतलब कि कोई हाथ पैर इसका नहीं होता, मतलब हाथ पैर मतलब क्या कि अब क्या क्या ये बनता कैसे, तो पहले इसी से स्टार्ट कर दिया, इसी से स्टार्ट कर, मतलब कोई चीज़ को बनाना तो पहले इसी से स्टार्ट कर, मतलब रिवर्सेवर रिएक्शन है, तुम समझो बात को, पहले मैं बता रहा हूँ हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाना है, तो पहले हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस ही ले लिया, ठीक है। अब ये क्या रिवर्सेबल है, इसलिए क्या उधर से ही बन सकता है, तो हम लोग इसको इधर से देखना चाहते हैं, लेकिन पहले हम लोग इधर से देखेंगे, ठीक है। हमने क्या क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लिया, उसको क्या क्या हमने 1/1/2 से रिएक्ट करा दिया, मतलब 1/1.5H2 से रिएक्ट कर दिया, 1/1.5 मत लिख देना, 1/1.5H2 से रिएक्ट करा दिया, इससे हमारा बना है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट को हम लोग जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम माने पत्थर जैसा होता है, जिप्सम इनटू तुम्हारा 2H2, ठीक है। अब होता क्या, तुम्हारा जब हम लोग जिप्सम लेते हैं, जिप्सम का
पत्थर जब हम लोग लेते हैं, जब रियलिटी समझो ये बना कैसे, प्लास्टर पैरिस बना के जब जिप्सम का जब हम लोग पत्थर लेते हैं, इस तरीके का पत्थर हम लोग ले लेते हैं जिप्सम का, तो उसको जब हम लोग हीट करते हैं, हीट कितना 373 केल्विन पे। अब 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री तुम्हारा सेल्सियस को बोलते हैं हम लोग 373 केल्विन, ठीक है। जब हम लोग 373 केल्विन पर इसको हीट करते हैं तब ये तुम्हारा क्या बन जाता है, तुम्हारा हाफ एस टू वाटर बन जाता है, वाटर बन जाता है ये वाला, और ये हमारा मेन चीज प्लास्टर ऑफ पेरिस निकल जाता है, मतलब जिप्सम से ये इधर आता है, तो ये रिवर्सेबल है, इधर से इधर भी जा सकता है इसको, इधर अगर हम लोग हीट ना करें तो ये रिएक्ट करेगा पानी वगैरह से, रिएक्ट करेगा जैसे इसको हमने पानी से रिएक्ट करा तो ये पत्थर बन गया, अब पत्थर से रिएक्ट करा पत्थर को हमने हीट दिया तो ये जिप्सम बन गया, तो इस तरीके का रिएक्शन होता है, इंपॉर्टेंट है इसको तुम ध्यान में रखना, पांच नंबर का आता है बोर्ड के पेपर, ठीक है, तो ये पांच नंबर तक का बोर्ड के पेपर में आता है, ठीक है, और तुम्हारा ये तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट में भी आएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, चोर अल्कली प्रोसेस, चोर अल्कली प्रोसेस क्लोर अल्कली, तो तुम्हारा NaOH की प्रिपरेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो डायग्राम है भाई इसको तुम ध्यान से देखो, पांच नंबर का तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में और तुम्हारे यहाँ पीरियोडिक टेस्ट में आना ही आना है, इस बात की गारंटी है, तो ये डायग्राम तुम ध्यान से देख लो भाई, पीरियोडिक टेस्ट में पांच नंबर का ये आना ही आना है, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तुम ध्यान से देख लो। अब इसमें तुम्हारा है क्या, देखो इसमें तुम्हारी दो चीजें पूछता है, NaOH की प्रिपरेशन NaOH बनेगा, NaCl ले लिया, NaCl के साथ वाटर ले लिया लिक्विड फॉर्म में, तो NaOH बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और तुम्हारा क्लोरीन बन गया, H2 गैस निकल गई, तो हमारे NaOH इजीली बन गया, तो ये तुम्हारा प्रिपरेशन। इसके बाद अलावा तुम्हारा ये डायग्राम पूछता है, अब ये डायग्राम तुम्हें कुछ करना है, खाली इसको रट लेना, घोट लेना, दिमाग में डाल लेना, यहाँ ये डायग्राम ऐसे ऐसे बनता है, इसका NaOH की प्रिपरेशन है, तो पूछता है इसको तुम्हें याद कर लेना, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट पांच नंबर तक का आ जाता है, ठीक है, इसको तुम्हें याद रखना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब ये तुम्हारी मेन चीज, उसके बाद तुम्हारा एसिड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, जब एसिड और बेस को मेटल से हम लोग रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हारा बोर्ड में जनरली आता है, ठीक है। मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर कर दी, लेकिन ये जो चीज़ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम टाइम में मैं तुम वही चीज बता रहा हूँ जो पेपर में आने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा हो क्या रहा है, देखो एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, अब तुम्हारा एसिड जब हम लोग मेटल को रिएक्ट कराते हैं, एसिड से हम लोग मेटल को रिएक्ट कराते हैं, तुम्हारा बनता साल्ट और हाइड्रोजन गैस, यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है, बेस से उतना रिएक्ट नहीं होता, ठीक है। तो एसिड वाला, एसिड से हम लोग मेटल को रिएक्ट करते हैं, तुम्हारा साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, ये जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है, ये तुम्हारा एक्टिविटी का, इसको हम लोग पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, तो ये एक्सपेरिमेंट तुम ध्यान से देख लो, पीरियोडिक टेस्ट के पेपर में ये जो डायग्राम है, ये तुम्हारा तीन नंबर का आने ही आने की गारंटी है, तो इसको तुम ध्यान से देख लो, ये रिएक्टिविटी तुम ध्यान से देख लो, तीन नंबर का तुम्हारे पीरियड टेस्ट में आने ही आना है, 99.99% गारंटी इस बात की है, ये जो डायग्राम है ये तुम्हारे पीरियड टेस्ट पेपर आने ही आना है, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं और केमिस्ट्री वालों का फेवरेट है, मतलब केमिस्ट्री में फेवरेट है डायग्राम, इसको आने ही ना बोर्ड के पेपर में, पीरियड टेस्ट में, मिड टर्म में, ये हर बार आता, मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, तुम क्लास टेन में भी नहीं हो, तुम सोचते हो यार भैया कैसे बोलते हैं यार, तो यार मैं 6 साल तो क्लास टेन को पढ़ा रहा हूं, तुम पहली बार आ, तुम्हें तुम्हारे लिए सब चीज नहीं है, ये हम लोग देखते हैं ये सारे पेपर में आते ही रहते हैं ये सारी चीजें, तो हम लोग इसलिए इसी बेसिस पर बता पाते हैं ये सारी चीजें आ रहे हैं। अब इसमें होता क्या, देखो ये डायग्राम में तुम्हारा हो क्या रहा है, इसमें तुम्हारा क्या क्या गया, इसमें तुम्हारा क्या क्या गया, हाइड्रोजन गया और हाइड्रोजन गैस को ले लिया, इसमें तुम्हारा जिंक ग्रैनुल, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, अब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हाइड्रोजन गैस, अब इसमें क्या क्या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले लिया गया, H2SO4 ले लिया गया, और तुम्हारा क्या किया गया यहाँ पर कि तुम्हारे यहाँ जिंक ले लिया गया, जिंक ग्रैनुल्स, जिंक ग्रैनुल्स, अब ये दोनों चीजों को ले लिया, अब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं, यहाँ से बबल निकल रहा है हाइड्रोजन गैस के, अब जैसे ही बबल जब निकल रही है, जो गैस निकल रही है, अब पानी में जब ये जा रही है, यहाँ से गैस निकल रही है, यहाँ से ऐसे गैस निकली, अभी जैसे ही पानी में जा रहा है, पानी में जाने के बाद यहाँ से पानी में कोई कभी तुम हवा फूकोगे तो ये बबल बन जाता है, बबल जैसे बन गया तो ये उड़ने लगी, तो यहाँ कैंडल ले आ गया, अब जैसे ये तो हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन गैस है, अब जैसे ही इसको फ्लेमेबल होता है, हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होता है, तुमने सिलेंडर वगैरह देखा होगा, तो हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होता है, जैसे ही इसको लगाया गया इससे क्या होगा, पॉप साउंड निकलना, फट फट फटने लगा, तो ये तुम्हारा क्या है, पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट, तो इस तरीके का होता है, तुम्हारा जिंक ग्रैनुल्स को तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड में लिया जाता है, डाइल्यूटेड, और ये तुम्हारा तीन नंबर और पांच नंबर तुम्हारे पेपर में आता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है पीएच स्केल, अब ये तुम्हारा पीएच स्केल क्या होता है, पीएच एक स्केल होता है जिसमें तुम्हारा 7 न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, जैसे तुम्हारा लाइन पानी वाली स्केल होता है, पीएच स्केल 7 न्यूट्रल, मतलब वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो वाटर तुम्हारा 7 पे होता है, जैसे ही ऐसे इधर नंबर कम होते जाता है वैसे ही तुम्हारा क्या एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है, जैसे तुम्हारा नींबू है लेमन तो उसका 2 होता है, ठीक है, और जैसे तुम्हारा साबुन है सोप है तो उसका तुम्हारा 14 तक होता है, तो जैसे तुम्हारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है 7 से ऊपर होता है, तो जैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है 7 से ऊपर होगा और 7 से नीचे होगा तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर, ये जो कलर वाला है ये तुम्हारा कोई काम का उतना नहीं है, लेकिन तुम्हें ध्यान में रखना है कलर तुम्हारा प्योर वाटर का, तुम्हारा ये कलर होता है, मतलब कलर उतना ध्यान, ये स्ट्रिप तुम्हें ध्यान में रखनी है, तुम्हें ये बता रहा है कि प्योर वाटर का जब तुम्हारा लिटमस में जब तुम टच करते हो तो ये कलर ऐसा शो करता है, लेमन जूस तुम्हारा इधर साइड आ जाता है एकदम तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर बन जाता है जैसे मैंने तुम्हें बताया, और तुम्हारा यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो तुम्हारा साबुन वगैरह वो तुम्हारा 14 कैरेक्टर में आता है, मतलब जितना 14 होता जाएगा कलर उतना ब्लू होता जाएगा, जितना तुम्हारा एसिडिक होता है कलर उतना रेड हो जाएगा, जो तुम्हारा मीडियम रहेगा वो ग्रीन रहेगा और बीच में जो इधर रहेगा वो तुम्हारा येलो रहेगा, तो ये तुम्हें देखना। उसके बाद तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन लाइफ, पीएच तुम्हारा कहां, 2 डी के दांत का पीएच देखा जाता है कि डॉक्टर देखते हैं पीएच कितना सड़ा हुआ है कि नहीं, फिर तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच कितना,
फिर मेडिसिन बनाने में पीएच यूज होता है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंस है, तुम तीन चीजें लिख के आओगे, ठीक है? ये तुम्हारा आया था क्वेश्चन तीन दिन में। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का तुम्हारा क्या था, जब भी एसिड और बेस साथ में रिएक्ट कराते हैं तब तुम्हारा साल्ट एंड वाटर बनता है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? किसी भी रिएक्शन में जब हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है? और उससे साल्ट वाटर बनेगा। तो ये तुम्हें एग्जांपल दे दो कि NaOH को हमने रिएक्ट किया HCl से, NaCl बना, H2O बना, तो ये तुम देख लोगे। फिर तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस, प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिटमस पेपर तुमने देखा, लिटमस पेपर को जैसे हमने क्या किया, एसिड में डाला, एसिड में डाला, जैसे ही हमने लिटमस पेपर एसिड में डाला, एसिड में डालते ही क्या हुआ, लिटमस पेपर जो था और तुम्हारा रेड हो गया। अब हम लोग का लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो पर्पल होता है स्टार्टिंग में, जैसे हमको कोई चीज़ हमें पता नहीं एसिड के बेस है, हमने डाल दिया, एसिड होगा तो रेड हो जाएगा, एसिड होगा तो रेड हो जाएगा और बेस रहा तो ब्लू हो जाएगा। तो ये तुम्हें पता चल जाएगा, तो इसको प्रॉपर्टीज है। अब इसको जैसे वाटर में हम लोग डालेंगे, जैसे कि हम लोग कभी कोई एसिड को वाटर में डालते हैं, प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, वाटर में डालते हैं, तो ये तुम्हें बताना पड़ेगा एसिड बेस की, लिटमस डालने से ये दो प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी तुम्हें। तो अगर तुम वाटर में अगर एसिड को डालो तो वो क्या करेगा, एच प्लस आयन छोड़ेगा, एच प्लस आयन छोड़ेगा एसिड, और वही बेस रहा तो OH नेगेटिव आयन छोड़ेगा। मतलब वाटर में हम लोग कभी भी एसिड डालेंगे तो वो एच प्लस आयन छोड़ेगा, और हम लोग वाटर में बेस डालेंगे तो वो एच नेगेटिव आयन। तो बस तुम्हें इतना ही लिखना है कि वाटर में हम लोग जब भी एसिड डालेंगे, व्हेन वी पुट एसिड ऑन वाटर इट प्रेजेंट एच प्लस आयन, एंड व्हेन वी पुट बेस ऑन वाटर इट प्रेजेंट OH नेगेटिव आयन, ठीक है? तो ये तुम्हें देख के रखना, ठीक है? हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, तो ये तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें तुम्हारा क्या है कि जब तुम्हारा ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें तुम्हारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन ले लिया गया। अब जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास होती है, से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तुम्हारा क्या, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब भी CO2 पार्ट होती है ये तुम्हारा क्या करता है, इसको CO2 गैस क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो ये रिएक्शन तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं, ये डायग्राम होता है इंपॉर्ट नहीं, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हारा क्या, डायग्राम तो कहीं इंपॉर्टेंट नहीं, ये रिएक्शन तुम ध्यान से देखना। इसमें तुम्हारा क्या क्या गया, लाइम वाटर लिया गया, लाइम वाटर तुम्हारा लिया गया, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया गया, इसमें तुम्हारा CO2 गैस पास कर दी, गैस फॉर्म में CO2 पास करा दी गई है। अब जैसे ही CO2 पास हुआ, ये क्या हुआ, तुम्हारा व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, इसमें कैल्शियम तुम्हारा कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट और तुम्हारा वाटर बन गया। तो मतलब क्या कि तुम्हारा व्हाइट, मतलब कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो लाइम वाटर CO2 गैस ट्रांस लाइम वाटर मिल्की मतलब थोड़ा गाढ़ा कर देता है, गाढ़ा कर देता है, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा ये मिल्की कर दिया यहाँ पर, ठीक है? तो ये तुम्हें ध्यान से देखना, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हो गया और यहाँ तुम्हारा CO2 वाला एक्सपेरिमेंट है, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ये जो डायग्राम है ये किसी और चीज का डायग्राम है, ये तुम्हारा पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी चीज का डायग्राम है। ये डायग्राम से उतना मतलब हमें होना नहीं चाहिए, मतलब होना चाहिए रिएक्शन से, ये इंपॉर्टेंट, ये पेपर में इन तीन नंबर का आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने से क्या होता है तुम्हारा लाइम वाटर में। तो ये तुम्हारा मिल्की में टर्न करता है और तुम्हारा प्रेसिपिटेट फॉर्म है, तो PPT फॉर्म हो रही है, ये PPT फॉर्म हो रही है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है? ये तुम्हें ध्यान में रखना, इतना अगर तुम कर लोगे भाई, ठीक है यार, अगर तुम इतना कर ले तो एसिड बेस साइड में तुम्हें महारत हासिल हो, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आने वाला। अगर तुम इतना करो तुम केमिस्ट्री में बिल्कुल किंग बन गए, अपने क्लास के किंग बन गए भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तुम समझ लो तुम किंग बन गए केमिस्ट्री में, इससे बाहर कोई, दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए जिससे तुम्हारे आ सकते थे। अब हम लोग आगे चलेंगे बायोलॉजी के चैप्टर, ठीक है? हम लोग चलते आगे, अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी के चैप्टर पे। हमने अपना केमिस्ट्री का पहला दोनों चैप्टर खत्म कर लिया, केमिस्ट्री में तुम्हें महारत हासिल हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं अपने बायोलॉजी के चैप्टर, बायोलॉजी का तुम्हारा पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लियर वाले बात, बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन मैं तुम्हारे लिए शॉर्ट में खत्म कर दूंगा, सारी चीजें बिल्कुल शॉर्ट में कर रहा हूं, जो आने वाला है वही बताऊंगा, क्लियर वाली बात है, ठीक है? पहला तुम्हारा बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस में तुम्हारा टोटल 14 मार्क्स का पेपर आता है तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में, और तुम्हारे बोर्ड में भी लगभग 10 नंबर का पेपर इससे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्कूल वालों के लिए, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर वाली बात है। पीरियोडिक टेक्स्ट में तो पूरा का पूरा पेपर इसी से आया था, तो वैसा चैप्टर है, ठीक है? इसमें तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, अब भैया फंक्शन क्या, देखो बायोलॉजी में तुम्हारा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। ये तुमने पूछा डेफिनेशन ऑफ हार्ट बता रहा हूं, नहीं, फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हर चीज का फंक्शन चाहिए बायोलॉजी में, वही होता। देखो यार मुझे साइंस पढ़ाते हो, 5 साल हो चुके हैं बायोलॉजी में, या तुम्हारा बायोलॉजी की भाषा में डेफिनेशन को फंक्शन बोला था, तो फंक्शन अगर तुम याद रखोगे तो भाई तुम टॉपर कैटेगरी में ऐसे ही आ जाओगे। तो हर चीज का फंक्शन, जैसे हार्ट है तो हार्ट के तीन फंक्शन, नेफ्रॉन के, इस तरीके से तुम फंक्शन याद रखने पड़ते हैं बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर हो, फंक्शन ही मेन खिलाड़ी होता है, क्लियर वाली बात है। अगर तुम फंक्शन सीख गए सबके, बायोलॉजी में तुम किंग बन जाओगे, डायरेक्ट किंग बन जाओगे, क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है? अब तुम समझो मेरी बात को, पहले तुम्हारा 55 नंबर का क्वेश्चन बनता फंक्शन वाले चैप्टर से। तो अब देखो तुम्हारा होता क्या कि जैसे तुम्हें फंक्शन किस किस का याद करना, तीन से पांच फंक्शन तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है? हार्ट के तो पांच याद होने चाहिए, पहला तुम्हारा हार्ट, दूसरा तुम्हारा नेफ्रॉन, तीसरा तुम्हारा क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम तुम्हारे तीन होते हैं, पहला तुम्हारा MLS होता है, फिर लाइपेज होता है और उसके बाद तुम्हारा ट्रिप्सिन होता है। तो ये तीन चार तुम्हारे सेलिवरी एमएलएज होते हैं, तीन चार होते हैं, तो तुम देख लेना, मैंने तुमको बता दिया कि तुम्हारे डाइजेस्टिव एंजाइम से तुम्हारा आता है क्वेश्चन, ठीक, क्लियर वाली बात है। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा बाइल जूस के तुम्हें पता होना चाहिए, लिवर का पता होना चाहिए, पैनक्रियास का पता होना चाहिए, किडनी का फंक्शन पता है। उसके बाद तुम्हारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें एक स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली होता है, विली VILII,
इसका भी तुम्हें याद होना चाहिए। इससे तुम्हारा ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करता है, ये भी तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, क्लियर वाली बात है। उसके बाद तुम्हारा क्या लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन याद होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा क्या सेलाइवा, मुंह में जो रहता है तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा क्या स्टमक, उसके बाद तुम्हारा एल्वियोली जो तुम्हारा लंग्स में रहता है ब्लड, उसके बाद तुम्हारा क्या लिम्फ, उसके बाद तुम्हारा ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, फिर ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, उसके बाद तुम्हारा क्या स्टोमाटा, उसका डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तुम्हारा एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तुम्हारा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है, एनर्जी ऑफ सेल होता है, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है एटीपी। इतना अगर तुम कर लोगे, तुम्हारा पूरा पूरी अगर तुमने कुछ नहीं करा इतना भी तुम कर लोगे भाई, तुम्हें महारत हासिल हो गई, इस चैप्टर हो गई महारत हासिल, अगर तुम इतना कर लोगे लाइफ प्रोसेस खत्म, तुम्हें लाइफ प्रोसेस नहीं करना, बस इतनी चीजें करनी, तो बस अगर तुम इतने डेफिनेशन याद कर लेते हो भाई लाइफ प्रोसेस खत्म, तुम्हें लाइफ प्रोसेस नहीं करना, बस तुम्हें इतने डेफिनेशन याद करना, लाइफ प्रोसेस खत्म, क्लियर वाली बात है। तो ये तुम्हारा लाइफ प्रोसेस हो गया है, बस तुम्हें इतनी चीजें करनी है, लाइफ प्रोसेस खत्म, तुम्हें लाइफ प्रोसेस नहीं करना, बस तुम्हें इतनी चीजें करनी है, और एक्स्ट्रा में तुम्हें कुछ करना रहेगा, जो तुम्हें पूरा किंग बना दे, पूरा किंग बना दे, तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं भाई साहब, ठीक है। अब भाई अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और दूसरी बात, अगर तुमने मैथ्स पेपर लीक नहीं देखा, मैथ्स वाला जो तुम्हारा यूनिट टेस्ट का पेपर लीक है, इसको चार दिन हुए डाले हुए, इसको करीब 13-14 हज़ार बच्चों ने देख रखा है, तो जल्दी जाकर इसको देख लो, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो तुम चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। तो अगर तुमने मैथ्स पेपर लीक नहीं देखा भाई, ऐसे ही हमने साइंस कर दिया, SST आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, तुम्हें डरने की बात नहीं, बस तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पर जाओगे तुम ये सारी वीडियोस तुम्हें मिल जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, तभी मैं मिड टर्म का पेपर लिख दे पाऊंगा, बोर्ड एग्जाम का पेपर लिख दे पाऊंगा, तभी दे पाऊंगा, जब तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं रखोगे तो तुम भूल जाओगे या तुम्हें वीडियो मिलेगी नहीं, जब मैं पेपर लिखूंगा तुम्हें वीडियो ही नहीं मिलेगी, तुम सब्सक्राइब करके रख लो भाई, बेल आइकन क्लिक करना, क्लियर वाली बात है। तो चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, हम लोग आगे आते हैं, ये वीडियो छोड़ना मत यार, मैथ्स पेपर लीक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको पूरी एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, मैथ्स में भी तुम किंग बन जाओगे, ठीक है, हम लोग आगे आते हैं भाई साहब, ठीक है। तो हम लोग कहां बात कर रहे थे, एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा चीज तुम्हारा क्या डिफरेंस बिटवीन, अब डिफरेंस बिटवीन भी तुम्हारा इससे आता है, 3-3 नंबर का तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन किसमें, रेस्पिरेशन में, एरोबिक और एनएरोबिक, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा आता है डिफरेंस बिटवीन, क्लियर वाली बात है, ठीक है। तो ये तुम ध्यान में रखना, 3-3 नंबर का आता है, बोलो भैया आपने तो बोला चैप्टर खत्म हो, देखो वो मेन चीजें थी, अब तुम्हारी ये क्वेश्चन है वो मेन चीज थी, अब ये क्या है कि ये आता है, इतना देखो यार सेफ जोन में रहना है हमें तो सारी चीजें करनी पड़ेगी, सेफ जोन में रहना तो मैक्सिमम चीजें करनी पड़ेगी, अगर तुम रिस्क खेलना चाहते हो बात अलग है, लेकिन अगर तुम सेफ जोन में रहता तो ये चीजें भी आ जाती है, इसलिए मैं तुमको दिखा रहा हूं, अब ये आती है। उसके बाद तुम्हारा क्या आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी में डिफरेंस आता है, ज्यादा डिफरेंस इसमें आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एरोबिक एनएरोबिक, ठीक है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है एरोबिक, और ये वाला एनएरोबिक तुम्हारा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, क्लियर वाली बात है। उसके बाद तुम्हारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड और लिम्फ में तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, और डिफरेंस तुम्हारा वेन आर्टरी और कैपिलरीज तीनों में पता है, डिफरेंस तुम जब भी करोगे ना भाई टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म मतलब क्या, ऐसे टेबुलर फॉर्म, ऐसे लिया ऐसे काट दिया, अब तुमने यहां पर लिख दिया कि तुम्हारा ब्लड, ब्लड का ब्लड में और तुम्हारा आर्टरी ARTERY, तो आर्टरी में हो रहा है, जिस भी दो चीज में तुम डिफरेंस कर रहे हो, आर्टरी में कर रहे हो, वेन में कर रहे हो, ब्लड में कर रहे हो, जिस भी चीज में कर रहे हो, तो इस तरीके से तुम फिर यहाँ पॉइंट 1 है, यहाँ पॉइंट 1, फिर यहाँ पॉइंट 2, यहाँ पॉइंट 2, यहाँ पॉइंट 3, यहाँ पॉइंट 3, इस तरह टीचर खुश होता है, टीचर को पता लगता है पूरे नंबर तुम्हारे बोर्ड में मिल जाता है, ये प्रेजेंटेशन का तरीका हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब ये जो चीज है भाई इससे तुम्हारा 3 नंबर का आना ही आना, ये जो चीज है भाई इससे तुम्हारा 3 नंबर का प्रायोरिटी टेस्ट में पेपर आना ही आना, इस बात की गारंटी है, अगर तुम ये कर लोगे 3 नंबर कंफर्म है तुम्हारे प्रायोरिटी टेस्ट में, इस बात की गारंटी है। तो ये जो चीज है भाई तुम ध्यान से देख लो भाई, 3 नंबर तुम्हें दिलवाएगा ही दिलवाएगा पीरियड टेस्ट में, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, टेस्ट वालों के लिए फेवरेट है, ये फेवरेट है, मतलब टेस्ट में टीचर्स के लिए फेवरेट होता है। अब होता क्या, देखो यार हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो टाइप के होता है, पहला तुम्हारा हेटरोट्रॉपिक, दूसरा तुम्हारा क्या है ऑटोट्रॉपिक, जो 4 नंबर मैंने दिया। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वो प्लांट्स में होता है, सिर्फ क्लियर वाली बात, इसके ज्यादा टेंशन लेने की चीज नहीं होती, ये प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब प्लांट, ठीक है। लेकिन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा ये 3 टाइप का होता है, पहला तुम्हारा सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सेप्रोट्रॉपिक तुम्हारा क्या था, फंगी वगैरह फंगस देखा, मशरूम देखा, इस टाइप का उस सेप्रोट्रॉपिक होता है, जो कि क्या है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट से खाने लेते हैं। पैरासाइटिक मतलब क्या, मच्छर वगैरह, मच्छर देखा जो चूसता है, मॉस्क्यूटो, तो वो उस टाइप का होता है। और तुम्हारा होलोजोइक तीसरे टाइप का होता है, जो तुम्हारा ह्यूमन बींग वगैरह होता है। तो ये 3 चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है कि तुम्हारा क्या होता है, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक, 3 टाइप के होते हैं, तो उसको तुम ध्यान में रखना, ठीक है। थोड़ा सा आगे आते हैं हम लोग, आगे तुम्हारा क्या है डायग्राम, अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, ये तीनों डायग्राम तुम ध्यान से देख लो भाई, इन तीनों में से एक डायग्राम तुम्हारे यूनिट टेस्ट के पेपर में आना ही आना, इस बात की गारंटी है। तो ये 3 डायग्राम तुम ध्यान से देख लो भाई, तीनों में से एक डायग्राम, इस बात की 99.99% गारंटी है, ये तीनों में से एक डायग्राम तुम्हारे यूनिट टेस्ट के पेपर आना ही आना, 5 नंबर का, तो 5 नंबर के डायग्राम आता है, ये तीनों डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों डायग्राम को तुम देख लो, तीनों डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला तुम्हारा हार्ट का हो गया, ये हार्ट का डायग्राम हो गया, फिर तुम्हारा नेफ्रॉन का डायग्राम आता है, उसके बाद तुम्हारा क्या आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, या जो तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसका डायग्राम आता है, क्लियर वाली बात है, ठीक है।
उसके बाद तुम्हारा क्या और डायग्राम तुम्हारे आते हैं, डबल सर्कुलेशन वाला डायग्राम कभी कभी तुम्हारा आ जाता है। उसके बाद तुम्हारा स्टोमेटल पोर, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी बार बार आता है। एक ओपन स्टोमाटर क्लोज स्टोमाटर दोनों के दोनों तुम्हारे आते हैं, दोनों अलग अलग डायग्राम है, ओपन क्लोज स्टोमाटर दोनों आता है। उसका तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम कभी कभी आता है, ये स्टोमाटल डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये तीन डायग्राम जो मैंने दिखाए ये तीनों ये इंपॉर्टेंट ज्यादा रहता है। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्या व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ डिसाइडिंग वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीन नंबर का आता है। उसके बाद तुम्हारा क्या वाइड हाउ डू प्लांट्स गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि हाउ, देखो ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं दूंगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में डायरेक्ट आते हैं, तो इन क्वेश्चन को तुम ध्यान से कर लेना भाई, तीन तीन नंबर के डायरेक्ट आते हैं। मैं तो बता रहा हूँ स्कूल वालों का फेवरेट रहता है, ये डायरेक्ट टेस्ट में देते हैं। ठीक है, फिर देखो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, हम लोग कोई फालतू क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, इस बात की गारंटी है। अगर तुमने इतना कर लिया, ये सारे क्वेश्चन कर लिए भाई, अपने क्लास के तुम टॉपर बन जाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कोई फालतू क्वेश्चन डिस्कस नहीं करें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, इस बात की गारंटी है। तो फिर बता रहा हूँ, अगर तुमने इतना क्वेश्चन कर लिया, तुम्हारे साइंस के पेपर में तुम्हारा टॉपर बनना पक्का, इस बात की गारंटी है। मैं तो फिर बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा हमने। उसके बाद तुम्हारा क्या है ये क्वेश्चन, गिन के मैं तुम्हें चार से पांच क्वेश्चन दूंगा यार। उसके बाद तुम्हारा क्या हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन फॉर अबव डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड, एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हारा डाइजेस्टिव फूड कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन तुम्हारा डिजाइन रहता है, मैंने तुम्हें विली के बारे में बताया था, विली के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, हाउ आर एलवीली डिजाइन टू मैक्सिमाइज गैसेज एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो एलवीली रहता है वो कैसे डिजाइन रहता है मैक्सिमाइज गैसेज एक्सचेंज करेंगे जो लंग में रहता है, तो वो तुम्हें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और चार आखिरी क्वेश्चन जो 55 नंबर वाले, ये देख लो तुम, व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन और डायग्राम आएगा, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। उसका तुम्हारा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये तुम्हारे पेपर में छपना ही छपना है, ये क्वेश्चन को तुम ध्यान से देख लो भाई। ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का तुम्हारे पेपर में आना ही आना है, इस बात की 110% गारंटी है। ये तुम्हारे प्रायोरिटी टेस्ट में 110% गारंटी है भाई, ये तुम्हारे पेपर में आना ही आना 5 नंबर का। मैं तो फिर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन को तुम ध्यान से देख लो भाई, 5 नंबर का तुम्हारे प्रायोरिटी टेस्ट के पेपर में आना ही आना, इस बात की गारंटी है, 100% गारंटी भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा क्या डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है, नेफ्रॉन का तुम्हें डायग्राम बनाना और स्ट्रक्चर बताना। ठीक है, What are the necessary condition for autotrophic nutrition and why it is what is by products? ये तुम्हें बताना, ये आखिरी क्वेश्चन तुम्हारा, ये 8 क्वेश्चन तुम्हारा, ये चैप्टर खत्म। इतना अगर तुम कर लो कि इस चैप्टर में तुम्हारा महारत हासिल हो जाए, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं होगा, लाइव प्रोसेस खत्म। अगर तुमने इतना कर लिया लाइव प्रोसेस में, तुम किंग बन गए, मैं तो गारंटी दे रहा हूँ। बायोलॉजी में तुम किंग बन गए, तुम्हारे क्लास में तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा, बताइए गारंटी अगर तुमने इतना कर लिया। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब हम लोग आते हैं अपने बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर, जो तुम्हारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। अब ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भाई चैप्टर छोटा है, पर आता बहुत ज्यादा नंबर का बोर्ड में। पिछले बार लाइव प्रोसेस से ज्यादा नंबर का ये आया था, पिछले बार बोर्ड में लाइव प्रोसेस आया था 6 नंबर का, 6 से 7 नंबर का था, ये भाई साहब 10 नंबर का आया था पिछले बार बोर्ड में। इसको हल्के में मत लेना, ये जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्रायोरिटी टेस्ट में कितना आ रहा नहीं आ रहा मेरे को नहीं अंदाजा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है मेरे हिसाब से, जितना छोटा है ये। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा 13 नंबर तक का आता है मिड टर्म के एग्जाम में, और बोर्ड में भाई 10 नंबर का आया था, तो मैं क्या ही बताऊं, बोर्ड में 10 नंबर, बोर्ड में पूरी बुक आती है। इसमें तुम्हारे 14 चैप्टर होते हैं। अब 14 चैप्टर में भाई हिसाब लगाया तो एक चैप्टर में तुम्हारा कितना नंबर का, 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो एक चैप्टर मतलब तुम्हारे 5 से 6 नंबर का आना चाहिए, लेकिन ये 10 नंबर का आ रहा होता है बोर्ड में। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना। इसमें तुम्हारा क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैंने फिर बोला था बायोलॉजी में तुम्हें किंग बनना डेफिनेशन पता होना चाहिए, इसमें भी तुम्हें कोई डेफिनेशन मैंने गिन के दी है, उसको तुम्हें बनाना है इस चैप्टर में किंग बनाना। क्लियर वाली बात हम बता रहे तुम्हें। पहले तुम्हारा क्या है रिफ्लेक्स एक्शन तुम्हें पता होना चाहिए डेफिनेशन। उसका तुम्हारा सिनेप्स क्या होता है, उसका तुम्हारा न्यूरॉन क्या होता है। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है डेंट्राइट साइटोन एक्सोन और सेल बॉडी, ये तुम्हारा क्या होता है न्यूरॉन के पार्ट्स होते हैं। जैसे तुम्हारा क्या है डेंट्राइट क्या होता है, फिर तुम्हारा क्या होता है एक्सोन क्या होता है, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है सेल बॉडी क्या होता है, उसके बाद तुम्हारा क्या नर्व एंडिंग वगैरह क्या होता है, तो वो तुम्हें देख के रखना। फिर तुम्हारा क्या होता है स्टिमुलस क्या होता है, व्हाट इज स्टिमुलस। फिर तुम्हारा रेस्पॉन्स और डेफिनेशन तुम्हें याद रखना है, डेफिनेशन इसमें तुम्हें डेफिनेशन याद रखना, फंक्शन वगैरह याद रखना, न्यूरॉन वगैरह। ठीक है, फिर तुम्हारा इंपल्स क्या होता है डेफिनेशन याद रखना, रिसेप्टर्स क्या होता है, इतनी चीज तुम्हें याद रखनी, क्लियर वाली बात है। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या प्लांट हार्मोन एनिमल हार्मोन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, वो हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है डिफरेंस बिटवीन तीन तीन नंबर क्या है, तुम्हारा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन में तुम्हारा आता है डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन में भी कभी, मतलब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में था, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन में भी कभी कभी आया था डिफरेंस। तो इन चारों और वॉकिंग और रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब इन चारों में से, मतलब ये चार चीजें चारों में से किसी भी दो का डिफरेंस आ सकता है तुम्हारा किसी के साथ भी, मतलब वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री में आ सकता है, रिफ्लेक्स एक्शन वॉकिंग में भी आ सकता है, और इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन में भी आ सकता है। ये तुम्हें ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये तुम्हें देख के रखना, दो दो पॉइंट तीन तीन पॉइंट याद होने चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ये न्यूरॉन का डायग्राम भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम तुम समझ लो भाई, अगर ये चैप्टर आ रहा है ये तुम्हारे पेपर में आए, क्लियर वाली बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार हम लोग। आगे तुम्हारा क्या, आगे तुम्हारा एनिमल हार्मोन, ये जो चीज है भाई
एनिमल और भी भाई साहब ये जो चीज है भाई, ये क्वेश्चन जो है पांच नंबर का तुम्हारे प्रायोरिटी टेस्ट में आ गया समझो। अगर तुम्हारा प्रायोरिटी टेस्ट में तुम्हारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आ रहा है, ये क्वेश्चन जो है भाई पांच नंबर का तुम्हारे प्रायोरिटी टेस्ट में आ गया, इस बात की 110% गारंटी है। तो ये अगर ये क्वेश्चन तुमको ध्यान से देख लो भाई, अगर तुम्हारा प्रायोरिटी टेस्ट में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आ रहा, तुम समझ लो भाई ये जो क्वेश्चन है भाई आ गया, समझो आ गया भाई, 99.99% गारंटी ये तुम्हारे प्रायोरिटी टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन जो है वो आना ही आना, क्योंकि भाई ये एनिमल हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है ना इस चैप्टर में, इस चैप्टर की जान है समझो ये एनिमल हार्मोन। इसमें तुम्हारा क्या होता है, बोर्ड वालों का भी फेवरेट है। एनिमल हार्मोन में तुम्हें कुछ हार्मोन्स के बारे में पता होना, जैसे तुम्हारा पेनक्रियास। अब पेनक्रियास क्या होता है, यहाँ लीवर के पास रहता है। अब ये तुम्हारा क्या करता है, ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है डायबिटीज के लिए, ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है, पहला तुम्हारा इंसुलिन, दूसरा तुम्हारा ग्लाइकोजन। ठीक है, पहला तुम्हारा इंसुलिन, दूसरा ग्लाइकोजन। इंसुलिन क्या होता है, जो तुम्हारा शुगर को कंट्रोल करता है, जिसको डायबिटीज हो जाती है उसमें क्या होता है इंसुलिन का कंट्रोल नहीं रहता फिर। और दूसरा ग्लाइकोजन जो तुम्हारा क्या करता है, जो शुगर को मतलब शुगर मेंटेन करता है बॉडी में। और इंसुलिन क्या करता है शुगर को, जैसे ग्लाइकोजन क्या करता है शुगर का काम करता है, और शुगर को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन आती है, दोनों चीज यही सिक्रेट करता है। ये तुम्हारा क्या है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो ये तुम्हें देख के रखना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आगे तुम्हारा एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है। एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड का फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी इसको बोला जाता है, इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोला जाता है। ये हार्मोन ऐसे पूछता है कि विच हार्मोन इज कॉल्ड फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, तो ये तुम्हारा एड्रेनलिन ग्लैंड निकलता है, एड्रेनलिन क्या तो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है तुम्हारा एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, तो वो तुम्हारा होता है। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान में रखना। फिर तुम्हारा आगे तुम्हारा थायराइड ग्लैंड। अब ये तुम्हारा जानना पड़ेगा, इससे तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, इससे तुम्हारा TSH निकलता है। TSH तुम्हारा क्या हो गया, TSH तुम्हारा क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तुम्हारा थायराइड को कंप्लीट करता है, यहाँ जो रहता है ना ये, इसकी कमी होने से गोइटर हो जाता है, गोइटर में हो जाता है, एक गला फूल जाता है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, ये इससे आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना। उसके तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तुम्हारा ब्रेन में रहता है, ये तुम्हारा बॉडी का शेप साइज को कंट्रोल करता है। फिर तुम्हारा थायमस ग्लैंड के बारे में तुम्हें पता होना, इतना इंपॉर्टेंट है। फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में पता होना, टेस्टिस और ओवरी। भैया इस बारे में मत बताओ, इस बारे में पूरी जानकारी हमने तो PhD कर रखी है भैया, इस बारे में तो हमें बताना ही नहीं, ये तो हम एकदम लिख ही देंगे, गारंटी वाली बात है। ठीक है, मैं समझ गया। तो इसके बारे में तो तुम्हें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जनरली इससे रिप्रोडक्शन से आता है, लेकिन क्या है कि इससे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है इसके बारे में। ठीक है, क्लियर वाली बात है, लेकिन ऊपर के तीन वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो तुम ध्यान में रखना। आगे हम लोग आते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारा फोटो रिसेप्टर देखने के जो काम आता है आंख में रहता है, आंख में फोटो रिसेप्टर रहते हैं। तुम्हारा फोनो रिसेप्टर कान में सुनने का काम आता है, गाना सुनते हो सुनने का काम आता है। तीसरा तुम्हारा क्या, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो तुम्हारा टच के लिए काम आता है, टच के छू रहे तो तुम्हें लगता है यहाँ कहाँ सरफेस है या प्लेन है, तो वो तुम्हारा ऑल्फैक्टरी। तीसरा तुम्हारा क्या, गैस्ट्रेटर रिसेप्टर, जो चाटने के टेस्ट के काम आता है। पिछली बार क्वेश्चन तुम्हारा आया था गैस्ट्रेटर रिसेप्टर कहाँ पे रहता है, वो टंग में रहता है, टंग में, जीभ में, बोर्ड में क्वेश्चन आया था, तो ये तुम्हें देख के रखना है। ठीक है, टंग में रहता है, जीभ में रहता है, ये तुम्हें बताना है। फोटो रिसेप्टर आंख में रहता है, ये कान में रहता है भाई, ये वाला स्किन में रहता होगा, ये टंग में रहता है, क्लियर वाली बात, ये तुम्हें देख के रखना। फिर हम लोग आगे आते हैं भाई साहब, आगे तुम्हारा क्या, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, अब तुम्हारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो तुम्हारा रहता है किस किस चीजों पे डिपेंड करता है वो तुम्हें देखना है। ये ग्राफ से तुम्हें तुरंत पता चलेगा, दिमाग में कॉपी पेन लेके नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो यार होता क्या, ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो चीजें होती है, पहला तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा तुम्हारा क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजें आती है, पहला तुम्हारा ब्रेन, दूसरा तुम्हारा आता है स्पाइनल कॉर्ड। अब इन दोनों चीजें, इसमें तुम्हारा स्पाइक क्या पता है इस चीज में, तुम्हें क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन पता होना चाहिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन पता होना चाहिए। दूसरी चीज तुम्हें क्या पता होना चाहिए, तुम्हारा ब्रेन का डेफिनेशन, ब्रेन के फंक्शन, इनके फंक्शन FUNCTION फंक्शन पता होने चाहिए तुम्हें। ठीक है, फंक्शन पता होने, तो इनका फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। फंक्शन है ना यार, ये मेन खिलाड़ी, इनका ब्रेन का क्या फंक्शन होता है और स्पाइनल कॉर्ड का तुम्हारा क्या फंक्शन होता है, ये दो चीजें। यहाँ पर तुम्हारा क्या, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। अब तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होगा, तुम्हारा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, इन दोनों का मीनिंग तुम्हें पता है, इनका डेफिनेशन पता जरा चल जाएगा भाई। इनका ये दो मेन चीजें, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनका फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, इनका तुम्हारा फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए, इनका फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं, इससे पांच मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन तुम्हारा तीन तरीके का होता है। अब फंक्शन यहाँ तुम्हारा कम आएगा। अब तुम्हारा पहले फोर ब्रेन होता है, फिर मिड ब्रेन होता है, फिर हिंड ब्रेन होता है। ब्रेन तीन पार्ट में बटा रहता है। ब्रेन का क्या है तुम्हारा, एक तो फोर ब्रेन, ये वाला फोर ब्रेन है तुम्हारा, इतना आगे वाला फोर ब्रेन है, फिर तुम्हारा बीच वाला मिड ब्रेन है, और पीछे वाला तुम्हारा हिंड ब्रेन है। ठीक है, तो ये आगे का फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, फिर हिंड ब्रेन है। ठीक है, अब इसमें तुम्हारा होता क्या, देखो फोर ब्रेन का तुम्हें फंक्शन, फिर फंक्शन पता होना चाहिए। फोर ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, और हिंड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। हिंड ब्रेन के जो पार्ट रहते हैं, पहला तुम्हारा सेरिबेरम, फिर पॉन्स, उसके बाद तुम्हारा मेडुला ओब्लॉन्गाटा, ये तीन पार्ट रहते हैं, तीनों का फंक्शन ये पेपर में आता तुम्हारा, तो ये तीनों का फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और तुम्हारा मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, इन पांचों, पांच पांच नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। मैंने मैप बना दिया, तुम्हें कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, क्लियर, ये और ये डायग्राम भी पेपर में आता है, ये डायग्राम भी पेपर में आता है, गारंटी वाली बात, इसको भी तुम देख के रखना। ठीक है, ये डायग्राम तुम्हें बनाने आना चाहिए, उतना नहीं आता लेकिन आता है।
अब हम लोग आते आते इस चैप्टर पे, इस चैप्टर की जान है भाई ये तुम्हारा फोटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट। अब फोटोट्रॉपिज्म, ये ट्रॉपिज्म क्या होता है देखो, अब ध्यान से देखना, इससे भी तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना बिल्कुल। अब देखो फोटोट्रॉपिज्म, कभी भी कोई प्लांट लाइट की तरफ भागता है, लाइट की तरफ भाग रहा है तो इसको फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। फोटो मतलब लाइट होता है, ठीक है, जब तुम आगे पढ़ोगे तो तुम, जब भी कोई प्लांट ग्रेविटी की तरफ भागता है तो उसको जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो तुम्हें डेफिनेशन याद रखना है, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो जब भी कोई प्लांट ग्रेविटी की तरफ, अब ये प्लांट को ऐसे सुता जाएगा लेकिन ये ऊपर भाग रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट भाग रहा है, ग्रेविटी इधर काम करती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट भाग रहा है उसको जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसके ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रेविटी इसका शूट भाग रहा है, ठीक है। तो लेकिन तुम्हें ये डायग्राम याद रखना, ये डायग्राम दोनों डायग्राम तुम्हारे पेपर में आते हैं, ठीक है। उसका तीसरा तुम्हारा क्या होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म थोड़ा तुम्हारा इंपॉर्टेंट ये पेपर में आता है। इसमें क्या होता है कि एक गमला है, गमले के अंदर क्या कहता है, एक मिट्टी का कप लेके उसमें पानी डाल दिया था, ठीक है। अब गमले के अंदर मिट्टी है, मिट्टी के कप में क्या कहता है, पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद प्लांट लगा दिया। अब प्लांट के जो शूट रहते हैं ना, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, पानी की तरफ बढ़ने लगता है। अब ये जो शूट है तिरछे बढ़ने लगा, मान प्लांट ऐसे तो सब तरफ जाने चाहिए शूट, लेकिन सिर्फ इधर ही जा रहा है, मतलब क्या कि हाइड्रोट्रॉपिज्म। कभी भी द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स समथिंग इज नोन एज ट्रॉपिज्म, ठीक है। किसी भी तरफ मूवमेंट ऑफ प्लांट जाता है उसको ट्रॉपिज्म हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये पानी की तरफ जा रहा है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है तो जियोट्रॉपिज्म, और फोटो की तरफ जा रहा लाइट की तरफ जा रहा फोटोट्रॉपिज्म। एक और तुम्हारा होता है थिंगमोट्रॉपिज्म, इसी की तरह होता है केमोट्रॉपिज्म। अब देखो केमोट्रॉपिज्म भी कभी कभी केमोट्रॉपिज्म भी आता है, केमोट्रॉपिज्म, ठीक है, ध्यान में रखना। केमोट्रॉपिज्म में क्या होता है, इसी तरह से वाटर का जगह तुम्हारा केमिकल रहता है, तो केमिकल में जगह तुम्हारा केमो, ये जल्दी आता नहीं है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा हाइड्रोट्रॉपिज्म जनरली आता है। व्हाट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, तुम्हें डायग्राम बनाना और तुम्हें लिखना है द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स इज वाटर इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म, और तुम्हें डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है। फिर तुम्हारा थिग्मोट्रॉपिज्म है, तुमने मनी प्लांट देखा है कैसे डंटी में ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ऐसे ऐसे करके घूम जाता है डंटी में, तो उसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। तो डंटी के साइज साइज साथ में जा रहा था उसको बोलते हैं। फिर तुम्हारा क्या प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन तुम्हारा क्या होता है, दो देखो ये इससे क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं, ध्यान से देखना इससे क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं। इसमें तुम्हारा क्या होता है, दो हार्मोन होते हैं, पहला तुम्हारा ऑक्सिन्स और तुम्हारे जिब्रेलिन्स, और ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स जो तुम्हारे होते हैं, ये तुम्हारा ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स ये तुम्हारा क्या होता है, ग्रोथ के लिए होते हैं, प्लांट के ग्रोथ के लिए होते हैं, ग्रोथ के लिए प्लांट के ग्रोथ के लिए होते हैं। दूसरा तुम्हारा टोटल प्लांट हार्मोन चार तरह के होते हैं, पहला तुम्हारा ऑक्सिन्स, दूसरा तुम्हारा जिब्रेलिन्स जो ग्रोथ के लिए होते हैं, फिर तुम्हारा इथिलीन जो होता है वो रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स फल के पकने के लिए होते हैं। अब इसमें कोई फल एप्पल लगा हुआ है तो अब ये मान लो मैंगो ही लगा हुआ है, तो मैंगो लगने के उसके पकने के लिए जिब्रेलिन्स वाला काम करता है, ठीक है, उसका इथिलीन काम करता है। उसका तुम्हारा साइटोकाइन सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा डीले एजिंग करता है, इसको बूढ़ा नहीं होने देता है। तो ये चार टाइप के हार्मोन होते हैं, इनका फंक्शन पता रहे, इतना अगर तुम्हें पता रहेगा भाई तुम्हें चैप्टर महारत हासिल हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। और कुछ है क्या, और कुछ क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन भाई तुम्हें कर लेना है, ये क्वेश्चन चार नंबर पाई है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है 6, 7, 8, ये कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम कर लोगे भाई तुम बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओगे। टाइम रहेगा तब करना, नहीं तो मत करना, जितना बताया उतना काफी है, नोट कर लेना। ये तीन तीन हमारे क्वेश्चन आते हैं, इनको तुम कर पाओ तो बढ़िया बात है, ठीक है। और आगे तो कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं आगे कुछ, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन अगर तुम इतना कर ले तो भाई बायोलॉजी के कंट्रोल करने तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा भाई, मैं तुम गारंटी दे रहा हूँ, तुम इतना कर ले तो पूरा क्लास तुम्हारे पीछे, तुम आगे एकदम बोर्ड एग्जाम इज गारंटी, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, अब हम लोग आते हैं अपने फिजिक्स के पहले चैप्टर में, जो तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। भाई साहब ये चैप्टर 14 नंबर का आ रहा तुम्हारे पेपर में, मतलब ये चैप्टर 14 नंबर का पेपर में तुम्हारा आता है, सबसे ज्यादा मार्क्स का आने वाला चैप्टर तुम्हारा अगर कोई है बोर्ड में तो ये है, तुम्हारे मिड टर्म में यूनिट टेस्ट में सब जगह सबसे ज्यादा मार्क्स ये कैरी करेगा, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना, बिल्कुल क्लियर वाली बात है, इसको तुम ध्यान रखना। 14 नंबर का भाई साहब लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, भाई साहब 14 नंबर का आ रहा है ये जो चैप्टर है ना भाई, ये मुझे सच में बहुत फैसिनेट करता खुद में, इतना ज्यादा नंबर इस चैप्टर भाई साहब सही में 14 नंबर बड़े अमाउंट के नंबर होते हैं भाई, लेकिन जब सबसे ज्यादा नंबर मजा कब आता है ना, मजा आता है मिड टर्म में, प्री बोर्ड में, मतलब कि प्री बोर्ड के आगे जब तुम्हारा बोर्ड के लेवल के तुम्हारा पेपर बनता है, मिड टर्म में तो ठीक है सारे चैप्टर ज्यादा नंबर के आते हैं, लेकिन तुम्हारा बोर्ड के लेवल में जब पेपर बनता है तब इसके नंबर 10 नंबर के करीब रहते हैं, 10 से 11 नंबर के करीब इसके नंबर रहते हैं, तब हमें ज्यादा मजा आता है कि भाई साहब ये चैप्टर है फिर, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या है, अब अगर रात के 11 बजे में सुबह से तुम्हारे लेक्चर बना रहा हूँ, सुबह से लेक्चर बना रहा हूँ, अब भाई तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, इतना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि तुम्हें टाइम पर लेक्चर मिल पाए, रात के अभी 11 बजे में सुबह से तुम्हारे लेक्चर शूट करो, देख लो यार बोर्ड तो टाइम गलत नहीं बताता होगा भाई, बोर्ड तो टाइम से सुबह से तुम्हारे लेक्चर बना रहा हूँ भाई, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर लो यार, सुबह से इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए कि तुम लोग अपने एग्जाम में टॉप कर सको, मैंने इसलिए किया, बस इतना ही मोटिव है और कुछ नहीं, ठीक, क्लियर वाली बात है, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, सबसे पहले तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हारा क्या होता है, इसमें तुम्हारा तीन तीन नंबर का तुम्हारा पेपर आता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा पीरियडिक टेस्ट का लेवल है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें तुम्हारे दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, सबसे पहले तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो हमने एक टॉर्च मारी, टॉर्च ये तुम्हारा क्लास है, कांच है, ठीक है, कांच में जैसे तुमने टॉर्च मारा ये तुम्हारा क्या करेगा, डाइवर्ट होकर इस तरीके से निकल जाएगा। अब इसके बीच में जब तुम नॉर्मल पड़ दोगे, यहाँ ये गिरा था, उसका जो एंगल होता है
जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, मतलब ये एंगल अगर तुम्हारा 45 डिग्री है तो ये भी एंगल तुम्हारा 45 डिग्री होगा। क्लियर वाली बात, तो ये दो चीजें होगी तुम्हारी, ये 45 तो ये 45 होगा, ये पहला रूल है रिफ्लेक्शन। दूसरा रूल क्या है तुम्हारा, इंसिडेंट रे, ये थोड़ा मिसटाइपिंग हो गई है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, मतलब इंसिडेंट रे मतलब घुसने वाला ये वाला लाइन और ये वाला, तीनों एक प्लेन में रहेगा, मतलब एक ऐसे जाएगा ऐसे करके, ये ऐसे जाएगा ऐसे करके निकल जाएगा, मतलब कि ये सेम प्लेन एक ही प्लेन में रहेगा। ये नहीं कि ये ऐसे जा रहा है ये ऐसे करके आ रहा है फिर ये ऐसे निकल गया तिरछा निकल गया, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसे जा रहा तो ऐसे ही निकलेगा, इसका मतलब ये होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये जनरली तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में आया था इसलिए मैंने बताया, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे तुम्हारा क्या है कि एंगल इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल आते हैं भाई, पच पच नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। इसमें तुम्हारा क्या होता है, पहले तुम्हें कुछ चीजें बतानी चाहिए, जैसे तुम्हारा कि मिरर है, अब ये तुम्हारा मिरर है, अब मिरर में ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में तुम्हारे क्या क्या होते हैं, जैसे तुम्हारा डेफिनेशन कुछ तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस किसे बोलते हैं, फोकल लेंथ किसे बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हें जैसे तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला सी है, जैसे तुम्हारा ये देखो यहाँ सी लिखा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये फोकल लेंथ की डबल होता है, ये तुम्हारा फोकल लेंथ है, ठीक है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस है, ये तीनों चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें तुम्हारा क्या होता है, ये छह डायग्राम तुम्हें बनाने आना चाहिए कि रे ऑफ लाइट जब तुम्हारा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जैसे मान के चलो इसमें तुम्हारा क्या है, ये मैं पकड़ता हूं, अब इसमें तुम्हारा क्या है कि इसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां है, या तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसमें तुम्हारा इमेज कहां बन रही है, तो ये तुम्हें देखना कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज भी तुम्हारा यहीं पर बन रही है। तो इसी तरह से केसेस रहते हैं, छह केसेस तुम्हें कॉपी में नोट करने पड़ेंगे, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल बनेंगे। ये तुम्हें डायरेक्ट ये बनाना है, ये तीनों केसेस जा रहे हैं जिसमें पिन स्टैंप लगा हुआ है, ये जा रहे हैं, इसको तुम ध्यान में देख रहे, ठीक है। तो ये तुम्हें कॉपी में नोट कर लेना है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां रहेगा तो तुम्हारा इमेज कहां बनेगा, जब तुम्हारी लाइट कहां से आ रही है, जैसे तुम्हारा यहां पर देखो, यहां हमने देखा कि भैया हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ हाइट 12 है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ बने, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, सारे ये छह तुम्हें याद होने चाहिए, क्लियर वाली बात। तो ये छह डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम नोट कर लो कैसे बनता है, तुम नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि इमेजेस फॉर्मेशन बाय तुम्हारा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर तुम्हारा क्या होता है, कॉनकेव का उल्टा होता है, तो अब कन्वेक्स मिरर तुम्हारा क्या होता है कि दो ही टाइप के डायग्राम बनते हैं, ये वाला ये थोड़ा तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है, इसमें तुम्हारे पांच पांच नंबर के न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पांचवा नंबर का यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, कनकेव और कन्वेक्स मिरर कहां, जैसे कि तुम्हारा का एक कनकेव कन्वेक्स मिरर का, तुम्हारा गाड़ी में तुमने देखा है वो जो कांच लगी रहती है पीछे वाले को देखने के लिए, तो वो वहां तुम्हारा यूज होता है कनकेव कन्वेक्स मिरर का, तो वो सारी चीजें, डेंटल में जो डेंटी जब रहता है जो मुंह में जो तुम्हारा कांच डालता छोटा सा देखने के लिए, तो वो भी तुम्हारा वहाँ कनकेव कन्वेक्स मिरर का यूज होता है, तुम्हारा सोलर कुकर वगैरह, तो यूजेस तुम्हें पता नहीं, यूजेस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूजेस तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं, तो फिर तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट, ये मिरर फॉर्मूला भाई तुम्हारा न्यूमेरिकल बनेगा बनेगा, ये जो मिरर फॉर्मूला भाई इससे तुम्हारा पांच नंबर का न्यूमेरिकल आना ही आना तुम्हारे पेपर, इस बात की 99.99% गारंटी, ये जो मिरर फॉर्मूला भाई इससे तुम्हारा न्यूमेरिकल एक पांच नंबर का आना ही आना तुम्हारा पीरियड टेस्ट में, इस बात की गारंटी है। तो पीरियोडिक टेस्ट में तुम समझ लो भाई, ये जो फॉर्मूला भाई सबसे इंपॉर्टेंट, इससे एक पांच नंबर का न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में आना ही आना, इस बात की गारंटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इससे तुम्हारा क्या है, इससे तुम्हारा पांच नंबर का न्यूमेरिकल बनेगा, तुम्हारा क्या फॉर्मूला, तुम्हारा क्या 1/v + 1/u = 1/, तो ये तुम्हारा मिरर फॉर्मूला हो गया। इसका मैग्नीफिकेशन पे भी क्वेश्चन आता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज की हाइट कहते हैं, तो मैग्नीफिकेशन तुम्हारा क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज h अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, -v/u हाइट ऑफ इमेज, ये h हाइट ऑफ इमेज है, इमेज की हाइट है, ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u = मैग्नीफिकेशन, ठीक है, ये तुम्हारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या कि रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मान के चलो तुम्हारा ये रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम तुम्हारा क्या हो गया कि मान के चलो मैं समझ रहा हूं पानी है, एक कंटेनर इसमें पानी रखो, जैसे ही लाइट इसमें पड़ती है, लाइट इसमें ऐसे आई, ऐसे लाइट जैसे पड़ी इसमें, लाइट क्या होता है, लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए था, लाइट जब लाइट तो हमेशा सीधी जाती है भाई, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, पर लाइट यहाँ मुड़ गई, लाइट मुड़ गई, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी रूल होता है, ये तुम्हारा नॉर्मल है, एन नॉर्मल, ये तुम्हारी ये जो लाइन है ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल में क्या होता है कि लाइट मान के साइन आई, जो लाइन घुसी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता रहा हूँ, रिफ्लेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, रिफ्लेक्शन में आ गए हम लोग, तो साइन आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा साइन आई रहता है, ठीक है, साइन आई बाई साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है, ये तुम्हें क्लियर, कोई भी मीडियम हो, तो साइन आई जो तुम्हारा इंसिडेंट और साइन आर तुम्हारा क्या जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यही नॉर्मल के बीच से, तो ये वाला जो एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल से मतलब नहीं, ये नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है, मान के चलो तुम्हारा कुछ नहीं, पहले मैं तुमको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मैंने लिया इसको मिटा दिया, क्लियर वाली बात है,
मैंने इसको मिटा दिया। ये जो एंगल, दो एंगल के बारे में बात हो रही है, पहला तुम्हारा ये वाला एंगल जो नॉर्मल से बन रहा है, ये एंगल तुम्हारा जो साइन आई है नॉर्मल से, ये एंगल से बन रहा है, ये नॉर्मल है, इससे पहला ये एंगल ये साइन आई है, और दूसरा एंगल जो ये बन रहा है ये साइन आर, ये साइन आई है बाय साइन आर का रेशियो जो तुम्हारा कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब कि कोई भी मीडियम हो इसका रेशियो तुम्हारा बराबर होगा। तो ये तुम्हारा स्नेल्स लॉ इसको बोलते हैं, ये तुम्हारा लॉ पहला लॉ मान के चलो तुम कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला रहा कि तुम्हारा साइन बाय आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी कुछ पूछे रहता है। उसके बाद तुम्हारा दूसरा लॉ तुम्हारा एकदम सेम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं नहीं ये तुम्हारा उल्टा हो गया, मतलब कि मैं ये मिसप्रिंट हो गया, ये वाला तुम मत देखना, ये लॉ तुम्हारा ये वाला होगा, मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैं ऊपर आता हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है, ये वाला लॉ, ये तुम्हारा देखो देखो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये नहीं इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, ये वाला तुम्हारा होगा। तो ये इसका पहला लॉ होगा तुम्हारा, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों का लॉ, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में ये वाला लागू होता है, और यहाँ साइन आई बाई साइन, यहाँ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, और वहां पर तुम्हारा क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आता हूं मैं, यहां पर तुम्हारा क्या होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाला तुम्हारा होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने वो लॉ बता दिया, ये तुम्हारा दूसरा नंबर लॉ है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट आता है, इससे तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आता है। ये डायग्राम तुम्हारा आया था 3-3 नंबर का, इसमें तुम्हारा क्या है ग्लास स्लैब है, इसमें तुम्हारा क्या है एक लाइट पास हो रही है। लाइट क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो ग्लास स्लैब नहीं रहता, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रहता तो लाइट ऐसे आ रही थी, लाइट ऐसे आ रही थी, ये इस तरीके से सीधी निकल जाती। ठीक है, इस ग्लास स्लैब के वजह से पहले तो यहाँ ये यहाँ से डाइवर्ज ऐसे हो गई, फिर क्या है कि फिर ये निकली, फिर ये ऐसे डाइवर्ज, जितना इसके बीच में इसके कारण जितना डिस्टेंस बना इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। ठीक है, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं ये जो डिस्टेंस बना, देखो एल से, इसको ओ एल से रिप्रेजेंट किया इन्होंने, जितना डिस्टेंस बना उसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ये डायग्राम तुम्हें आना चाहिए, क्लियर होगी ग्लास स्लैब। उसके बाद तुम्हारा क्या है रिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से तुम्हारे न्यूमेरिकल आते हैं। ये तुम्हारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू वी वन बाय वी टू होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मुला तुम्हें याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मुला। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा यूजेस ऑफ कन्वेक्स, कन्वेक्स एंड कनकेव, कनकेव लेंस, लेंस का भी यूजेस तुम्हें बताना कि कहाँ कौन सा लेंस यूज होता है, ये तुम्हें देखे होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा है इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव कन्वेक्स लेंस, अब इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो इसको तुम्हें ध्यान में रखना कब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा। अब इसमें तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर, इसमें तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस वन और फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो तुम्हारा इमेज यहाँ बन, तो इस टाइप की तुम्हें सारी पता होनी चाहिए। ये वाला इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये भी ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद तुम्हारा ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के ऊपर के तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तुम देख रखना, ये सारे भी आते हैं, ऐसा नहीं है। ये 6 डायग्राम तुम नोट करो, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल बनेगा 5-5 नंबर के। ठीक है, 5 नंबर का, 3 नंबर का, ये बोर्ड लेवल था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। आगे तुम्हारा क्या, इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव लेंस, कनकेव लेंस तुम्हारे दो टाइप के बनते हैं, एक तुम्हारे ये वाला और एक तुम्हारा ये वाला, इससे न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, उसको तुम्हारा क्या है, उसको तुम्हारा क्या लेंस फॉर्मूला, अब ये जो लेंस फॉर्मूला है इससे भी तुम्हारे न्यूमेरिकल आने वाले। तो भाई तुम देख लो भाई, तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में तो गारंटी है कि 5 नंबर का तुम्हारा इस लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला न्यूमेरिकल आएगा, इस बात की 110% गारंटी है भाई कि तुम्हारा लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में 5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। मैं तुमको फिर बता दूं, ये न्यूमेरिकल आना ही आना है। इसमें तुम्हारा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा होता है मिरर फॉर्मूला, जैसे कि उसमें क्या था 1/v + 1/f था, इसमें प्लस की जगह तुम्हारा माइनस लग गया, तो -1/, और इसमें तुम्हारा क्या था कि m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u, उसमें क्या था -v/u था, उसमें अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर -v/u था, कहाँ गया, या -v/u था, और इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा क्या है, थोड़ा सा आ गया, इसमें क्या कि v/u, इसमें v/u से। ये तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है तुम्हारा, इसका डेफिनेशन भी पूछता, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ, तो अब पावर तुम्हारा एड हो जाता है p1+p2+p3, जैसे इसका पावर कुछ, इसका पावर 2 है, तो इसका तुमने 3 लेंस रख ले, किसी का पावर 2 है, इसका 3 है, इसका 5 है, तीनों मिलके ऐड हो जाएंगे, तो तीनों मिलाकर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम प्लस कर दोगे पावर को, तो ये तुम्हारा पावर ऑफ लेंस तक ऐड होता है, 1/ फोकल लेंथ इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको डायोप्टर में नापा जाता है। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं, ये तुम्हारे कुछ न्यूमेरिकल है भाई, इसको तुम कर लेना, और तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये कोई न्यूमेरिकल तुम कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये तुम्हारे डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में आने वाला है। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या, डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो वन डायोप्टर तुम्हें डिफाइन करना है कि 1/ फोकल लेंथ होता है, उसका कुछ एग्जांपल भी तुम्हें करना है, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुमको करने बोल रहा हूँ, मैं तुमको क्लियर कर दूँ। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं तो मत करो, लेकिन अगर तुम्हें सेफ जोन में रहना है, ये न्यूमेरिकल आ जाते हैं भाई बोर्ड में, न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे, यही वाले डायरेक्ट उठाकर डायरेक्ट पेपर में टीचर डालता है, तो न्यूमेरिकल ये डायरेक्ट पेपर उठाएगा, टीचर डायरेक्ट तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के पेपर में डालेगा, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल ऐसे एनसीईआरटी उठाएगा, डायरेक्ट पीरियोडिक टेस्ट के पेपर में डालेगा तुम्हारा, तो ये सेम न्यूमेरिकल तुम्हारे गारंटी की बात है भाई, ये सेम न्यूमेरिकल तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में 4-5 नंबर का आने वाला है, इस गारंटी है, तो इसको तुम छोड़ने की गलती मत करना, पीरियड टेस्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो ये तुम देख लेना, इतना तुम कर लोगे भाई चैप्टर तुम्हें महारत हासिल, इतना अगर तुम कर लोगे लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन तुम्हें महारत हासिल, पूरा क्लास तुम्हारा पीछे,
तुम आ गए, अगर तुमने ये न्यूमेरिकल लगा लेना भाई तुम किंग बन जाओगे फिजिक्स में, तुम किंग बन जाओगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ, 5 सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं बोल रहा हूँ, अगर तुमने लगा लिया इसको किसी तरीके से गूगल सोल्यूशन देखे कहीं से, तुम किंग बन जाओगे फिजिक्स में, गारंटी। याद मत करना, लगाने आना चाहिए। ठीक है ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग आते हैं अपने फिजिक्स के सेकंड चैप्टर जो तुम्हारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है, अगर तुम्हारा पेपर आ रहा है अभी प्रीलिम टेस्ट में तब भी सिलेक्टेड आएंगे, और बोर्ड में भी सिलेक्टेड है। इसमें तुम्हारा 13 नंबर का आता है मिड टर्म में, बोर्ड में भाई ये 5 से 6 नंबर का आता है, ये 4 नंबर का आता है, इस टाइप का आता है, लेकिन मिड टर्म में ये 13-13 नंबर तक आया था। और ये तुम देख लो, ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा ह्यूमन आई यानी डिफेक्ट, ये जो चीज है भाई इस बात की गारंटी है भाई, इस बात की 100% गारंटी, ये जो क्वेश्चन है भाई ये तुम्हारे मिड टर्म के पेपर में आने वाला है, और इस बात की 100% गारंटी ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे भाई साहब ये तुम्हारे पीरियड टेस्ट में भी आने वाला, 5 नंबर का, तो 3 से 5 नंबर का, तुम समझ लो भाई कि ये जो क्वेश्चन है भाई 100% गारंटी है कि 3 नंबर का तुम्हारे पीरियड टेस्ट के पेपर में आना ही आना, इस बात की 100% गारंटी। ठीक है, तो ये तुम ध्यान में रख लो, इस चैप्टर में अगर कुछ है, इस चैप्टर की जान है, तो ये तुम्हारा ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट, दूसरा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है मैं तुमको बता रहा हूँ, इससे पेपर नहीं भाई, सीबीएसई वाले भी इससे अलग नहीं है। सीबीएसई वाले अगर कुछ देते हैं इस चैप्टर में, 100 में से 100 बार यही वाली चीज देते हैं, मैं तुमको क्लियर करता हूँ, 6 सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें होता क्या मैं तुमको बता रहा हूँ, इसमें तुम्हारा क्या होता है, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट एंड करेक्शन। अब तो ह्यूमन आई डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन, अब ह्यूमन आई में डिफेक्ट क्या होता है, करेक्शन क्या होता है, पहले तुम्हारा मायोपिया, दूसरा तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा ये होता है, क्या बोलता है, प्रेस बायोपिया। अब ये क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, मायोपिया होता है जो तुम्हारा की सामने की नजर कमजोर होती है, मतलब जो तुम्हारा सामने की नजर होती है वो तुम्हारी कमजोर हो जाती है, उसको मायोपिया बोलते हैं, उसमें तुम्हारा कनकेवलेंस लगता है। एक होता है दूर की नजर कमजोर होना, जो तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है, इसमें तुम्हारा कन्वेक्स लेंस लगता है, इसमें तुम्हारी दूर की नजर कमजोर हो जाती है। ठीक है, अब जो तो मेरे साथ है जो दूर की नजर, एक होता है तुम्हारा दोनों की नजर कमजोर हो जाती है, इसमें तुम्हारा प्रेस बायोपिया जो तुम्हारा कनकेव और कन्वेक्स दोनों लगता है, ये हमारे पेरेंट्स को रहता है जनरली, इसमें दो दो लेंस रहते हैं, तो ये तुम्हारा होता है। इसमें तुमसे पूछता है कि मायोपिया करेक्शन लेंस क्या है, तुम्हें बताना कि मायोपिया करेक्शन लेंस तुम्हारा क्या है, कनकेव लेंस है, पहले तुमने ये बताया, उसके बाद तुम्हें डायग्राम पूछे करेक्शन डायग्राम, ये डायग्राम बताओ, तो ये डायग्राम तुम्हें बनाकर बताना पड़ेगा कि ये मायोपिया करेक्शन है। ठीक है, उससे तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया करेक्शन क्या है, तुम्हारा कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस, फिर तुम्हें बोला करेक्शन डायग्राम बताओ, ये डायग्राम बताओ, इसका डायग्राम जनरली नहीं पूछता, लेकिन पूछता है प्रेस बायोपिया कैसे होता है, क्या होता है, और इसका करेक्शन डायग्राम क्या है, और इसमें तुम्हारा लेंस में तुम्हें कन्फ्यूजन, कनकेव लेंस इस तरीके का दिखता, कनकेव लेंस देखो इस तरीके का दिखता, तुम्हारा कनकेव लेंस यहाँ पर लगेगा तुम्हारा इसमें मायोपिया में, और हाइपरमेट्रो में तुम्हारा कन्वेक्स लेंस लगेगा जो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, कनकेव तुम कैसे पहचाना, कनकेव, केव मतलब गुफा होता है, गुफा होता है, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि कनकेव, जब भी कनकेव मिले, केव मतलब गुफा होती है, तुम समझ लगे लेंस ऐसे खोखला, और जब तुम्हारा कन्वेक्स रहे तो मतलब उल्टा है इसका। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, 3 से 5 नंबर का आते ही आता है बोर्ड में, तो ये तुम ध्यान रखना, ये तीनों तुम्हें ध्यान रखना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और तुम्हारा प्रेस बायोपिया कैसे होता है, क्यों होता है, इसका डायग्राम। ठीक है, आगे आते हैं भाई साहब, आगे तुम्हारा डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, तो ये डायग्राम कभी कभी आता है, जनरली नहीं आता, चांसेस आते हैं क्वेश्चन इसके कि सिलेरी मसल का फंक्शन क्या होता है, सिलेरी मसल का फंक्शन क्या होता है तुम्हारा, देखो सिलेरी मसल का फंक्शन क्या होता है, फिर रेटिना क्या होता है, ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ये सारे फंक्शन तुम्हारे आते हैं सारी चीजों के, तुम्हारा इसको ऑल पार्ट्स आते हैं इसके 3-3 नंबर के। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, रिफ्रेक्टिव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ये वाला डायग्राम तुम्हारा आता है पेपर में, तो ये डायग्राम तुम ध्यान में रखना, इसका पेपर तुम्हारे लिए आता है, पेपर में ये डायग्राम आता है, तो तुम इसको ध्यान में रखना, इसको बना कर रखना। ठीक है, आगे आते हैं भाई साहब, आगे तुम्हारा क्या है कि डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, ये तुम्हारा आता है, ये डिस्पर्सन, एक तुम्हारा प्रिज्म, ये डायग्राम तुम्हारा आता है, उसके अलावा ये डिस्पर्सन तुम्हारा एक व्हाइट लाइट गई जैसे प्रिज्म में गई वो 7 कलर में बट गई इस तरीके से, ये तुम्हारा आता है। उसके बाद तुम्हारा क्या रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ये तुम्हारा बोर्ड में भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या होता है, एक व्हाइट लाइट गई, ये तुम्हारा प्रिज्म में टकराई, प्रिज्म मतलब तुम्हारा इस टाइप का प्रिज्म होता है, इस टाइप का कांच का रहता है, त्रिकोण टाइप का, तो इसको प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब ये गई, इसे टकराई, ये 7 कलर में बट गई। ठीक है, ये 7 लाइट गई, अब तुम्हें पता है कि भाई जैसे इसने क्या किया था, 7 कलर में बांटा था, अब ये दूसरा प्रिज्म है, अब इसको 7 कलर मिला, अब इसने बोला भाई वो 7 कलर इसको 1 कलर में कर देता हूँ, मतलब इसने 1 को 7 बनाया, अब इसने क्या किया, इसने 1 को 7 बना के छोड़ दिया यहाँ पर, 7 कलर में चल गई भाई, अब इसको 7 मिला, अब 7 को इसको फिर 1 कर देता, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, सनलाइट में तुमने देखा होगा कि कभी कभी रेनबो निकलता है, कैसे निकलता है, सनलाइट में 1 कलर होता है व्हाइट कलर का, अब उस व्हाइट कलर से 7 कलर निकलते हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं भाई साहब, आगे तुम्हारा क्या है, कुछ क्वेश्चन है कि ह्यूमन आई फोकस ऑन योर ऑब्जेक्ट, फोकस ऑन योर डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ बाय एडजस्टिंग ए फोकल लेंथ, दिस फेनोमेना इज ड्यू टू पावर ऑफ एकोमोडेशन। पूछता है क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कभी कभी आया था पीरियड टेस्ट में कि व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, तुम्हें बताना था क्या बोलता है तुम्हारा, व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, तो तुम्हें बताना कि द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कभी कभी आ जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यू भी, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू भी इससे बनते हैं।
उसके बाद तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज एट एन ऑब्जेक्ट इज इमेज, जो तुम्हारा ह्यूमन आई का फॉर्म होता है वो रेटिना में होता है, तुम ध्यान रखना ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है ली डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंग विजन, तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा क्या है एक कोई ह्यूमन बींग में तुम्हारा 25 सेंटीमीटर से सामने कोई भी चीज जैसे आया आपके, जैसे ये 25 सेंटीमीटर, जैसे ही 25 सेंटीमीटर सामने आ गई मुझे दिखना बंद हो जाएगी, एकदम धुंधला देखने लगी। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन तुम्हारा क्या है कि 25 सेंटीमीटर इससे दूर रहेगी तो क्लियर देखेगी, जैसे इससे सामने आएगी क्लियर दिखना बंद हो जाएगी। क्लियर वाली बात है, ठीक है आगे आते हैं भाई साहब हम लोग। आगे तुम्हारा क्या है चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई कैज बाय ड्यू टू एक्शन ऑफ सिलेरी मसल के कारण क्या होता है, चेंज इन फोकल लेंथ होता है, इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलता है ठीक है। व्हाट इज द मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, मैंने अभी बताया ठीक है डेफिनेशन तुम्हें, 3 नंबर का आता क्वेश्चन ये। उसके बाद तुम्हारे ये कुछ क्वेश्चन कि व्हाई डू स्टार्ट ट्विंकल, ये तुम्हें कर लेना। व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, ये न्यूमेरिकल है, ये तो ये सारी चीजें कर लेना अगर आ रहा ह्यूमन आई तो ठीक है, ये भी कर लेना और ये भी कर लेना। इतना अगर तुम कर लोगे भाई ह्यूमन आई में तुम्हें हर साल इस बात की गारंटी, तुम्हारे क्लास पूरा पीछे और तुम आ गया। जिन बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं फटाक से। हम लोग आते हैं अपने फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पे, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिन बच्चों का इलेक्ट्रिसिटी आता है उनके लिए मैंने बनाया है, जिन बच्चों का इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तुम्हारे प्रायोरिटी टेस्ट में ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा 13-13 नंबर का आता, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठीक है। 13-13 नंबर का प्रायोरिटी टेस्ट में जनरली क्या होता है, जनरली बच्चों का लाइट रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, जिनका नहीं आ रहा होगा तो हो सकता है उनका इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। अब पहला तुम्हारा क्या ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल आएंगे, इसमें जनरली चांसेस न्यूमेरिकल के रहते हैं। तो ओम्स लॉ तुम्हारा क्या होगा, वी इक्वल टू आई आर, ये तुम्हारा आएगा। फिर तुम्हारा क्या आता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला लग के तुम्हारा आता है। ये 5 फॉर्मूला, इससे तुम्हारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तुम्हारा वी इक्वल टू आई आर, फिर तुम्हारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल, सीरीज में जब भी कोई रेजिस्टेंस आता है तुम्हारा क्या होता है आर इक्विवेलेंट इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और तुम्हारे पैरेलल में आता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरीके का तुम्हारा होता है। इस फॉर्मूला तुम्हारे 5-5 नंबर के न्यूमेरिकल बनते हैं। और तुम्हें ये भी ग्राफ भी आया था कल कभी कि तुम्हारा ओम्स लॉ ग्राफ बताओ, तो ओम्स लॉ ग्राफ, ओम्स लॉ का डेफिनेशन में तुम्हें पता होना चाहिए। ओम्स लॉ का डेफिनेशन क्या होगा, तुम्हारा एट ए कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए ठीक है। तो ये तुम्हारा वीआई ग्राफ कैसे बनता है, ये भी 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा, मतलब ये तुम्हारा 45 डिग्री, मतलब तुम्हारा इधर पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है और इधर करंट जा रहा है ठीक है। तो उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू रहेगा वो इसके बीच में रहेगा, कभी बढ़ेगा नहीं। तो ये तुम्हारा इसका ग्राफ है, वीआई ग्राफ है ठीक है, 5 नंबर का आता है ठीक है। ग्राफ 5 नंबर का, इस पर न्यूमेरिकल 5 नंबर कहेंगे ठीक है। हम लोग आगे आते हैं, अगर तुम्हारा क्या फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ करंट, भाई साहब इस बात की 100% गारंटी की ये तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आने वाला है। तो फिर बताओ ये जो तुम्हारा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ करंट डिपेंड, ये जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें तुम्हारा क्या क्या है, 4 चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला तुम्हारा देख लो नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का, मैं बोलूंगा इस पेन में करंट फ्लो कर लो तो नहीं करा पाऊंगा ना। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, इसमें तुम्हारी ये प्लास्टिक है इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस कितना होगा। फिर तुम्हारा सेकंड क्या है कि लेंथ ऑफ वायर, इसकी लेंथ कितनी है, अगर तुम्हारा मान लो लोहा है तो लोहे में लेंथ कितनी है, जितना लेंथ रहेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा चीज तुम्हारा क्या है कि नेचर ऑफ मटेरियल रेजिस्टेंस, फिर तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मोटा है, अगर पतला रहेगा वायर, अगर पतला रहेगा तो कम करंट फ्लो होगी, वायर अगर मोटा रहेगा तो ज्यादा करंट फ्लो होगी ठीक है। अगर मान लो कोई वायर एकदम पतला है, एक वायर से करंट फ्लो कम करंट फ्लो होगी, अगर वायर सारे वायर से अगर करंट फ्लो ज्यादा करंट फ्लो होगी, ये तुम्हें देखना। उसके बाद तुम्हारा टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है ठीक है। ये तुम्हें देख रखना है नेचर ऑफ मटेरियल, तुम्हारा मैंने क्या बताया यादव पेपर में आता कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। पहला तुम्हारा क्या हो गया नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर क्या होगा मटेरियल का। दूसरा तुम्हारा क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा तुम्हारा क्या होगा दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा लेंथ ऑफ वायर, चौथा टेम्परेचर ठीक है। ये 4 चीजें होती है ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है कि इसके 3 फॉर्मूला होते हैं, आर इजिकल टू वी बाय आई, वी इजिकल टू आई आर वाला, आर इजिकल टू वी स्क्वायर बाई पावर, पावर का फॉर्मूला, आर इजिकल टू रो एल बाई, ये जो तुम्हारा रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला होता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन पूछा था व्हाट इज रेजिस्टिविटी ठीक है। इससे 5-5 नंबर के न्यूमेरिकल तुम्हारे आते हैं ठीक है। फिर तुम्हें कोई डेफिनेशन बताना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक सर्किट का, पोटेंशियल डिफरेंस का, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, इनका डेफिनेशन तुम्हें बताना चाहिए। उसका तुम्हारा पावर, पावर क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, पावर के 3 फॉर्मूला था, पी इजिकल टू वी आई, वी स्क्वायर बाई आर, और पी इजिकल टू आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला इससे न्यूमेरिकल बनेंगे, तो ये तुम्हें ध्यान रखना ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, इससे भी तुम्हारे 5-5 नंबर क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, बोर्ड में और मीटर में आते हैं। इसमें तुम्हारा क्या होता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, पहला लॉ हो गया इसका। इसका दूसरा लॉ क्या होता है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये 3 लॉ होता है, ये तुम्हें पूछा जाता है क्या होता है, ये तीनों चीज तुम लिखे पूरे नंबर में जाएंगे। इससे तुम्हारा इन तीनों चीजों से मुझे एक चीज पता चली कि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब कि आई स्क्वायर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर से भी और तो टी से भी, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला, तो इससे न्यूमेरिकल तुम्हारे बनते हैं, ये फॉर्मूला नोट करो ठीक है। हम लोग आगे आते हैं,
जूल्स लॉ, इसका डेफिनेशन भी आता है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी में डेफिनेशन भी आता है, क्या होता है डेफिनेशन, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू रेजिस्टेंस सम हीट इज डेवलप्ड इन द कंडक्टर, दिस फिनोमेना इज नॉट एन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारा डेफिनेशन हो गया। ठीक है, आगे आते हैं भाई साहब हम लोग, आगे तुम्हारा क्या न्यूमेरिकल आते हैं भाई से, इसमें एरिया अभी ये कोई वायर, इसका लेंथ एल है और इसका डायमीटर ए है। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है, इसका लेंथ इसको डबल कर दिया गया, अब इसको वायर किया, अब ये वायर को खींच दिया, मेटल का वायर था खिंचा भी किया भाई। ठीक है, अब इसको खींच दिया, जब तो इसका लेंथ तो 2L हो गया, खींच दिया डबल हो गया, लेंथ तो 2L हो गया, इसका लेंथ L था 2L हो गया, पर ये पतला हो गया, इसका डायमीटर A by 2 हो गया, पहले डायमीटर A था A by 2 हो गया। अब बोला जाएगा इसका रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस में क्या फर्क आया, तो ये तुम्हारा बनता है न्यूमेरिकल, इससे कैसे न्यूमेरिकल बनता है मैं दिखा दूंगा। ठीक है, उसका तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला था V = W / Q, और एक और फॉर्मूला था चार्ज का, चार्ज का Q, Q = Ne, Q = IT। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या होता है, व्हाट इज द मीन बाय सेइंग द रेट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है कभी-कभी, इसको तुम्हें ध्यान में रखना। ठीक है, आगे आते हैं भाई साहब हम लोग, तो तुम्हारा सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रिक, अब ये तुम्हारा आता है कभी कभी पावर कितना लेगा, तो ये तुम्हें देखना। उसका तुम्हारा क्या, 1 kW इज इक्वल टू 1000 वाट तुम्हें पता होना चाहिए, और 1 kWh में तुम्हारी कितनी एनर्जी होती, तुम्हारा क्या होता है 3.6×10⁶ जूल एनर्जी होती। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये तुम्हारा आता है पावर निकालना, इतने कितना बिजली का बिल कितना आएगा, तो ये बिल निकालने वाला क्वेश्चन आता है, इसको तुम नोट कर लो। ठीक है, ये पेपर में भी आ सकता है तुम्हारा। आगे ये सारे न्यूमेरिकल भाई तुम्हें कर लेने हैं, ये तुम्हारा वायर वायर वाला जितना न्यूमेरिकल सारे मैंने दे रखा था, 8, 9 ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, इसको तुम्हें कर लेना, 10, 11, 12 सारे तुम कर लोगे भाई, तुम इलेक्ट्रिसिटी में बिल्कुल कीम बन जाओगे। ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी में तुम कीम बन जाओगे, यहाँ तक तुम आ गए हो भाई, तो भाई तुम्हें एकदम साइंस के पेपर एकदम किंग बन गया भाई, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, तुम्हारा कोई जवाब नहीं रहा है, मैं तो क्लियर कर दूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन अगर तुम यहाँ तक आ गए, मैं तो गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ तक आ गए ना भाई, अगर तुमने पूरी वीडियो देख ली, सारी चीज़ें नोट कर ले भाई, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे तुम आ गए, कोई जवाब नहीं रहेगा। अभी तो तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तुमने मैथ्स पेपर लिखने देख रहे भाई, तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पूरा मैथ्स का हमने पेपर लिख रखा है, यहाँ तुम मैथ्स पेपर लिख देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब के लिए टाटा।